हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आई होप आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सही होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ, मेरी फैमिली भी बिल्कुल सही है। आप सबकी ब्लेसिंग है, भगवान जी की ब्लेसिंग है, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। और आई होप आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल सही चल रही होगी। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, बस एक बात ध्यान देना सर, आपने नो डाउट घर में रहना है, घर में एन्जॉयमेंट भी करनी है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, टिकटॉक बना के भी आपने डालनी है, बट जितना टाइम आपने सोशल मीडिया पे देना है उससे डबल टाइम अपने पढ़ने में भी लगाना है। इट मीन्स जो मैं क्लास अब डेली बेस पे डाल रहा हूँ, आपने डेली वो क्लास सुननी है, उसकी प्रैक्टिस भी आपने करनी है और उसकी रिविजन भी आपने करनी है, और सारे सब्जेक्ट आपके सही टाइम पर प्रैक्टिस होने चाहिए। ये मत सोचना कि आपकी फेस टू फेस क्लास नहीं चल रही तो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना? तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सेम फेस टू फेस वाली क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि मेरे सिंगल बच्चे को भी ये ना लगे कि मेरी क्लास नहीं चल रही। अब वो आपके माइंड के ऊपर है कि आप वो क्लास किस टाइम देखते हो, कैसे देखते हो। अगर क्लास सही टाइम पर नहीं देखोगे, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना? तो प्लीज प्लीज प्लीज, आपने डेली बेस पे क्लास देखनी है और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, आपने अपना ध्यान भी रखना है, और बिना बात कैसे बाहर नहीं जाना सर। बाहर प्रॉब्लम, मतलब ये कह रहा हूँ कि बढ़ सकती है। तो हम पूरी 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 गवर्नमेंट की सपोर्ट करें, हम घर में रहें, अपने इंडिया को बचाएं, हम बचें, क्योंकि अगर हम सही होंगे तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, और अगर हमारी जान होगी तभी हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, ठीक है ना? तो प्लीज प्लीज प्लीज, आपने सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है और सबको फॉलो करवाना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान। आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब निकालनी है, और अगर पॉजिटिव वे में देखो तो जो ये प्रॉब्लम चल रही है उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आप चेक करो, उसने हमें सफाई रखना सिखाया, उसने हमें बार बार हाथ धोना सिखाया, जो आज तक हम कभी धोते नहीं थे, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले कभी नहीं धोते थे, आज हमारे अंदर वो हैबिट आ चुकी है। उसने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सिखाया, उसने फैमिली के साथ पूरा दिन रहना सिखाया, उसने आज हमें फील कराया कि हमारे पेरेंट्स हमसे कितना प्यार करते हैं, उसने बहुत सारी पॉजिटिव बातें भी सिखाई हैं। तो नेगेटिव मत लेके चलो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बातें छिपी होती हैं। तो आपका वो लेके चलना कि पॉजिटिव क्या है, मतलब किस चीज को पकड़ के मैं और मोटिवेट हो सकता हूँ, ये बातें आपको देखनी है। डीमोटिवेट वाले बातें आपको नहीं देखनी कि सर डेली बेस पे केस बढ़ रहे हैं, ये है वो है। देखो सिंपल सी बात, अगर हम पूरी की पूरी पूरा का पूरा घर में रहेंगे ना 21 डेज, तो बहुत सारे केस कम भी होंगे, ये बीमारी सही भी होगी। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें करना क्या है, ठीक है ना? तो पॉजिटिविटी लेके चलोगे तो अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी लेके चलोगे तो अंदर नेगेटिविटी आएगी। अब वो आपके ऊपर है कि आपने गेम कैसे खेलनी है, ठीक है ना? चलो इधर सुना ध्यान से। अब आज की क्लास में फाइनली हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है सर। आज हमारी इनकम टैक्स की 6 क्लास है और मेरी यूट्यूब पे डलने वाली लास्ट क्लास है। इसके बाद जो भी मेरी क्लासेस होंगी, जो ऑनलाइन बच्चों ने मेरी क्लास परचेज की हुई है उनके पास वो क्लासेस आएंगी, फेस टू फेस वालों के पास आएंगी, और जिनके एग्जाम जून में है और जो अभी मेरी क्लासेस परचेज कर रहे हैं, इवन उनके एग्जाम जून में भी हैं, तो उनके पास भी सारी के सारी क्लास आएंगी और जून तक उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यूट्यूब पे जितने मेरी फैमिली के बच्चे हैं, आई होप आपका बेस क्लियर हो गया होगा सर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सरचार्ज निकालना नहीं आता, एमआर निकालना नहीं आता, रिबेट निकालनी नहीं आती, कंपनी की टैक्सेशन क्या, उन्हें वो नहीं पता होता। तो मैंने पूरा एफर्ट्स लगाया कि हर फैमिली के बच्चों को ये बात समझ में आनी चाहिए। तो आज की क्लास मैं यूट्यूब पर डालूंगा, बट इसके बाद की जो भी क्लासेस होंगी सारे के सारे मेरे फेस टू फेस वाले बच्चे होंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे, उनके पास वो सारी क्लास जरूर डेली बेस पे आएंगी, ठीक है जी? अच्छा इधर सुना ध्यान से, अब यूट्यूब वाले बच्चे कह रहे हैं सर चलो पहले हमें वो आंसर तो बता दो जो आपने लास्ट क्लास में हमें क्वेश्चन दिया था, कि हम चेक तो करें कि हमारे आंसर सही है गलत है। अब जितने भी लास्ट क्लास के अंदर मैंने मिक्स क्वेश्चन दिए थे ना, उसके आंसर मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। अब वो प्रेजेंटेशन में नहीं बताने जा रहा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आप एक बार आंसर चेक करोगे और किसी भी आंसर में डाउट होगा तो ये क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली है, इसके कमेंट बॉक्स में आप यहां पे डाल दोगे कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है। बट उससे पहले अपना आंसर दोबारा चेक करना, उसमें क्या गलती है वो भी देखना, दोस्तों से पूछना जिनके आंसर सही है कि भाई तेरा आंसर सही कैसे निकला है, सर के आंसर से मैच कैसे हो रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज इस आंसर को क्लैरिफाई कर दो। तो मैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करूंगा कि देखो इसका आंसर ऐसे निकल के आएगा, ठीक है ना? क्या पता मुझसे भी गलती हो सकती है, बट फिर भी अगर आपके आंसर मैच नहीं होते प्लीज आपने चेक करना है कि उसके आंसर में कहां गलती आपकी निकल के आ रही है। क्लियर है? पक्का पक्का? उठा दूं पर्दा, आंसर दिखा दूं। एक तरफ आप खुश होते हैं ना यार मुझे देख के, मुझे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह लव यू सो मच, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और ऐसे ही चेहरे पे स्माइल रखना अपने जिंदगी के अंदर हमेशा। कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, आपने हमेशा चेहरे पे स्माइल रखनी है। अगर चेहरे पे स्माइल रखोगे ना, बिलीव मी, जो प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी भी ना, वो पता क्या सोचेगी, यार तो हंसता रहता है यार, इसको मैं क्या परेशान करूँ, क्योंकि इसके चेहरे पे कभी दुख होता ही नहीं है,
इसके चेहरे पे कभी सैडनेस होती नहीं है। तो ऑलवेज जब भी चेहरे पे आप स्माइल रखोगे, जब भी चेहरे पे स्माइल रखोगे, आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप से दूर भागती रहेंगी। ठीक है ना? तो हमेशा मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, खुश रहना लाइफ में, बस ये बात ध्यान देना। जैसे अभी आप खुश हो रहे हो ना मेरे को देख के, वैसे हमेशा खुश रहना आपने। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार अब यहाँ पे आंसर चेक करो जी फटाफट से। देखो जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया था, मिस्टर एक्स है, इंडिया के रेजिडेंट हैं, एज आपकी 60 साल है, इनकम है 2 करोड़ 4 लाख। अब इसका आंसर ना ये वाला निकल के आ रहा है। अब अगर ये वाला आंसर निकल के आ रहा है, आपका आंसर तो बिल्कुल सही है। और ये आंसर मैंने निकाला कैसे आपको मैं दोबारा बोल देता हूँ। आपने पहले क्या किया होगा, 2 करोड़ 4 लाख रुपए के ऊपर आपने नॉर्मल टैक्स निकाला होगा, स्लैब रेट से निकाला होगा। उसके बाद फिर आपने क्या किया होगा, उसमें सरचार्ज एप्लीकेबल किया होगा 25%, क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 25% सरचार्ज लगेगा। तो फिर टैक्स प्लस सरचार्ज इन दोनों का सम टोटल कर लिया होगा। फिर कंपैरिजन किससे करोगे, 2 करोड़ से उस पर आपने निकाला होगा स्लैब रेट से टैक्स, और स्लैब रेट कौन से लगेंगे, 3 लाख वाले लगेंगे, 2.5 लाख वाले मत लगाना क्योंकि एज आपकी 60 साल है। उसके बाद फिर आपने वहां पर भी सरचार्ज एप्लीकेबल किया होगा 15%। फिर ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, ये टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, इन दोनों को कंपेयर किया। फिर इन दोनों को कंपेयर करने के बाद टैक्स का इंक्रीमेंट आपका आ गया, इनकम इंक्रीमेंट कितना है यहाँ पे 4 लाख रुपए का। उसको माइनस करने के बाद आपका एमआर आएगा, उस एमआर को माइनस करने के बाद जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें 4% अगर सेस एड करोगे ना, तो आपका आंसर ये वाला निकल के आ जाएगा। अब इस आंसर में कोई भी डाउट हो प्लीज मुझसे पूछ लेना, अगर सही है देन वेल एंड गुड है। उसके बाद अच्छा, अगर जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर डाउट पूछेगा ना, तो जिन बच्चों का आंसर सही निकल गया वो भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर ऐसा है। ऐसा नहीं है कि मेरे आंसर की आपने वेट ही करनी है, जिनका सही है वो भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि इस तरह से इसका आंसर निकल के आएगा। उसके बाद अब अगर एनआर है, एज आपकी 82 है, अच्छा अगर एज 82 है सोच के बोलना, अब अगर एज मेरी 82 है तो एज तो मुझे चेक करनी नहीं है क्योंकि वो एनआर है। तो एज कितनी भी हो, हर केस में लिमिट कितनी लगेगी, 2.5 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी। अब सोच के बोलना आपकी इनकम यहाँ पर है 56 लाख, तो आपने करना क्या है, 56 लाख पर पहले लगाओगे स्लैब रेट से टैक्स, उसके बाद यहाँ पे सरचार्ज एप्लीकेबल करोगे 10%, और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल करो टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। फिर कंपैरिजन किससे करोगे, 50 लाख से, वहां लगा लोगे स्लैब रेट, उसमें कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। और चेक करना यहाँ पर कोई भी एमआर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम ज्यादा होगी टैक्स कम होगा, उस केस में एमआर नहीं मिलेगा। तो जो भी टैक्स निकल के आएगा उसमें 4% सेस एड करोगे ना, तो आपका ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। फिर तीसरा, यहाँ पर आपका रेजिडेंट है बट यहाँ पर एचयूएफ है, और एचयूएफ वाले हर केस में आपको लिमिट मिलती है 2.5 लाख वाली, तो इनकम 15,70,000 पे है, 10 लाख से कितनी ज्यादा है, 5,70,000 पे, उसका 30% लगा दोगे, और 10 लाख तक 1,12,500, तो उसको उसमें ऐड करो, 4% सेस ऐड करो, आपका ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। फिर अगला निकल के आ रही, इनकम मेरी अगर होगी 1 करोड़ 1 लाख रुपए, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में रेट एप्लीकेबल क्या होगा, 30% लगा दो, प्लस में 12% सरचार्ज, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट है, 12% सरचार्ज लगेगा, तो 30% टैक्स प्लस में 12% सरचार्ज। कंपैरिजन करो 1 करोड़ से, कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स का इंक्रीमेंट आ जाएगा, इनकम इंक्रीमेंट हमारा 1 लाख दिया हुआ है, उस केस में एमआर आएगा, एमआर माइनस करने के बाद जो भी टैक्स आएगा उसमें 4% सेस एड करोगे, तो 32,24,000 रुपये आपका ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 80,000 रुपये की इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया होगा। ये आंसर आपने निकालना कैसे है, अगर मैंने कहा था सोसाइटी की इनकम 10,000 रुपये तक होगी तो 10% टैक्स आएगा, 10,000 से ज्यादा होगी 20,000 तक होगी 20% आएगा, और जितनी इनकम 20,000 से ऊपर होगी 30% टैक्स आएगा। अब अगर इनकम मेरी 80,000 है तो 20,000 से कितनी ज्यादा है 60,000, उसका आप लगा दोगे कितना 30%, तो 18,000 तो वो आ गया। अब मेरे हाथ में 20,000 बचे हैं, 10,000 से कितने ज्यादा है 10,000, उसका लगा दो 20%, 2,000 वो आ गया। अब बैलेंस बचे 10,000, उसका लगा दोगे 10%, 1,000 वो आ गया, तो 21,000 पे प्लस में 4% सेस, तो आपका आंसर निकल के आएगा 21,840 रुपये। फिर अगला केस निकल के आ रहा है, इंडियन कंपनी है, टर्नओवर 430 करोड़ रुपए है, इनकम आपकी है 10 करोड़ 3 लाख। अब अपने बोलते ना कि अगर इनकम 10 करोड़ 3 लाख रुपए है तो उस केस में इंडियन कंपनी में 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा, प्लस में 12% सरचार्ज लगाओगे, टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। कंपैरिजन करोगे 10 करोड़ से, वहां पर सरचार्ज लगेगा 7%, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। इन दोनों को कंपेयर करो, टैक्स का इंक्रीमेंट आ गया, इनकम इंक्रीमेंट 3 लाख रुपए, आपका एमआर निकल के आएगा। उस एमआर को माइनस करने के बाद फिर जो भी टैक्स आएगा उसमें 4% सेस एड करोगे, तो आपका आंसर 3,36,96,000, ये आपका आंसर निकल के आएगा। आई होप आपके आंसर सही चल रहे हैं। उसके बाद फिर अगर फॉरेन कंपनी है, इनकम आपकी 42 लाख रुपए है, तो 42 लाख का 40% निकाल लोगे, कोई भी सरचार्ज नहीं है, कोई भी एमआर नहीं है, डायरेक्टली 4% सेस एड करोगे, तो आपका आंसर ये वाला निकल के आ जाएगा। उसके बाद अगर इनकम 1 करोड़ 8 लाख रुपए है, लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी पर रेट एप्लीकेबल क्या होगा 30%, सरचार्ज क्या लगेगा 12%, तो टैक्स निकाल दिया 30%, 12% सरचार्ज, इस केस में कोई भी एमआर नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम ज्यादा होगी टैक्स कम होगा।
तो अगर एमआरई नहीं मिलेगा तो जो भी टैक्स आएगा उसमें 4% आप सेस ऐड कर दोगे, देन ये वाला आपका आंसर फाइनल निकल के आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इनकम 8,40,000 रुपये है, रेजिडेंट है, एज 81 है, तो अगर एज 81 है उसके से 5 लाख तो इनकम एग्जम्प्ट है, 5 लाख से ऊपर वाली इनकम का 20% लगेगा, तो कितनी इनकम 5 लाख से ऊपर है, 3,40,000 रुपये, उसका 20% 68,000 प्लस में 4% सेस, तो आपका ये वाला आंसर निकल के आएगा। इस तरह से आपके ये वाले सारे आंसर हैं, तो प्लीज 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 एक बार दोबारा चेक करना आपसे गलती हुई कहां पर है, दो बार चेक करना, तीन बार चेक करना, दोस्तों से पूछना, उसके बाद फाइनली जब आंसर निकल के ही नहीं आ रहा किसी का, फिर कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं निकल के आ रहा। क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, पहली बार अगर नहीं निकल के आता ना, हम पहली बार डाउट पूछे सर पहली बार आंसर क्या है, ये बहुत चीज गलत होती है। मतलब जब तक आपके पूरे एफर्ट्स लग जाए उसके बाद भी आंसर सही ना आए ना, फिर समझ में देखो कि प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो है, तो फिर मुझसे पूछ लो, ठीक है जी। तो एक बार आंसर क्या, फोटो क्लिक कर लो सारे, और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है प्लीज आपने मुझसे पूछना है कि सर इस वाले क्वेश्चन में हमें बता दो आंसर कैसे निकला, और इन क्वेश्चंस के बाद आपका कंप्लीटली चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म हो जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में आया है, आपको चैप्टर नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है, सरचार्ज, एमआर, रिबेट वाले सारे कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, इंडिविजुअल के भी, कंपनी के भी, फर्म के भी, और सारी की सारी स्पेशल इनकम, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, फ्रैक्शन से राउंड ऑफ में कैसे लेके आते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का, यस सर। लो जी, अब ये जाके आपके आंसर हैं, आपने आई होप सबने फोटो क्लिक कर ली होगी, एक बार आंसर खुद निकालना फिर आप मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है जी। चलो अच्छा, इधर देखना ध्यान से, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, अब यहां तक तो हमारा चैप्टर नंबर 1 था जी, अब जो मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपका इनकम टैक्स का, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां पर क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे कान खोल के सुन लें, कम से कम भी कह रहा हूं 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे, न्यू सिलेबस के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब वो चैप्टर हमारा कौन सा है, दैट इज चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक बार ना इस चैप्टर की ऐसा करते हैं, इस चैप्टर की ना एक बार हेडिंग बोलते हैं, हेडिंग क्या लिखी हुई है, एक बार हेडिंग बोला, हेडिंग क्या लिखी है, हेडिंग लिखी है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। इट मींस इस चैप्टर में ना हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस चैप्टर में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, चैप्टर आपका एक ही है बट हेडिंग आपकी 2 है, इट मींस इस चैप्टर में 2 बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये बात कहना चाह रही है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसका मतलब क्या है कि आपकी टोटल इनकम का स्कोप कहां तक होगा, वो सारी की सारी बातें आपकी चैप्टर नंबर 2 के अंदर आती है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, टोटल इनकम का स्कोप कहां तक होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगा ना, तो एक रेजिडेंट पर्सन की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो सारी बातें यहां पर है। और अगर कोई पर्सन इंडिया में एनआर है, तो एनआर बनने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें यहां पर है। और एक पर्सन का रेजिडेंट बनना, नॉन रेजिडेंट बनना, सिटीजन बनना, सिटीजन ना बनना, ओरिजन बनना, ओरिजन ना बनना, वो सारी बातें भी आपके यहां पर होंगी रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इस चैप्टर से 2 बातें पता लगेंगी, क्या पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी पर्सन इंडिया का रेजिडेंट कब बनेगा वही पता लगेगा, और जब वो रेजिडेंट बन जाएगा तो रेजिडेंट बनने के बाद उसकी जब इनकम कैलकुलेट करोगे तो इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, वो सारी बातें भी आपके यहां पर आएंगी। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि आपकी जब भी आप टोटल इनकम निकालोगे तो उस टोटल इनकम मैक्सिमम कहां तक टैक्सेबल होगी वो भी हमें यहां पर पता लगेगा, और एक पर्सन का जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना होगा कि कब हमें पता लगेगा आर है, एनआर है, सिटीजन है, ओरिजन है, सिटीजन नहीं है, ये सारी की सारी बातें भी आपके यहां पर निकल के आएंगी। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का। चलो अब इधर सुना ध्यान से, अब एक बात मैंने सोच के बताओ सर, अब मेन मुद्दा पता क्या निकल के आ रहा है, मेन मुद्दा निकल के आ रहा है, एक बच्चा कहता है सर आपको पता है, मैंने कहा क्या, कहता सर आपको पता है कि मेरे पापा भी ना आपकी क्लास अब डेली देखते हैं, क्योंकि पापा भी घर हैं, तो पापा कहते हैं यार विवेक सर की ना क्लास चला दिया कर, तो मेरे को भी टैक्स रेट के बारे में नॉलेज हो जाएगी, सर चार्ज क्या है, एमआर क्या, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना तो है बट मेरा सीए पता नहीं कैसे कैलकुलेट करता है, तो आज मैं खुद ही समझ लूं कि टैक्स निकालते कैसे हैं, तो सर पापा ने चैप्टर नंबर 1 तो पूरा कंप्लीट कर लिया, और पापा आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं, अंकल जी आपकी बहुत बहुत आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर बना रहे यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, चलो थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कह रहा पापा मेरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज जो सर ने चैप्टर कराना है उस चैप्टर में सर ने बोला भाई 2 बातें पता लगेंगी कि एक तो पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी पर्सन रेजिडेंट कब बनेगा, एक तो सर ये बताएंगे, और दूसरा सर हमें ये बताएंगे कि अगर वो रेजिडेंट बन जाएगा तो रेजिडेंट बनने के बाद मैक्सिमम कितनी इनकम पर वो टैक्स पे करेगा वो यहां पर पता लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कहता सर मेरे पापा का क्वेश्चन ये है
कि पापा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि विवेक, क्वेश्चन मतलब विवेक सर से क्वेश्चन पूछो कि हमें ये जानना ही क्यों है कि एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा और नॉन रेजिडेंट कब बनेगा। अब मेरा आपके फादर को रिप्लाई ये करना चाहता हूं, सर एक बात मुझे सोच के बताना, अब जब तक मुझे यही नहीं पता होगा हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है एक पर्सन की, हम टोटल इनकम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, सर एक बार सोच समझ के बोलना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो आपके ना दो लोग हैं, एक तो मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। सोच समझ के बोलना, एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने इंडिया में काफी सारी इनकम कमाई, इंडिया से बाहर भी काफी सारी इनकम कमाई, और मिस्टर वाई ने इंडिया में काफी सारी इनकम कमाई, इंडिया से बाहर भी काफी सारी इनकम कमाई। अब अगर इन दोनों ने पूरे वर्ल्ड में इनकम कमाई है तो इन दोनों के हाथ में टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, वो तब पता लगेगा ना ये दोनों का स्टेटस क्या है। क्योंकि आगे अगर हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होगा ना, उसकी पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। इट मीन्स आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इनकम कमाओगे, कहीं पर भी रिसीव करोगे, आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, प्रोवाइडेड आप इंडिया के रेजिडेंट हो। और अगर आप रेजिडेंट नहीं हो, आप एनआर हो, तो आपके हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, सिर्फ इंडिया में कमाई गई इनकम और इंडिया में रिसीव गई इनकम बस यही टैक्सेबल होती है, और कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अब सोच के बोलना, अब अगर एक रेजिडेंट पर्सन की पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है और एनआर की कुछ इनकम टैक्सेबल है, तो जब तक हमें यही पता नहीं होगा इन दोनों का स्टेटस क्या है, तो इनकम हम कैसे निकालेंगे। तो अंकल जी ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि टोटल इनकम जब भी आप निकालते हो ना, जब भी आप टोटल इनकम निकालते हो, टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी। इट मीन्स आप किसी भी पर्सन की आप टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक उसका स्टेटस आपको नहीं पता होगा। अब बच्चा पापा को बोलता, पापा आपने चैप्टर नंबर 1 क्या समझा फिर, सर ने बताया तो था कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट वाले केस में टैक्स रेट भी अलग अलग होते हैं, कि अगर वो रेजिडेंट है उसकी हम एज चेक करते हैं, नॉन रेजिडेंट की हम सारी कैटेगरी सेम लेके चलते हैं, तो इसीलिए तो सर ने बताया होगा कि वो रेजिडेंट बनेगा तो ये कैटेगरी होगी, एनआर बनेगा तो ये कैटेगरी होगी। अब वही सर बताने जा रहे हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 में हमने आर और एनआर वर्ड पढ़ा वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो कैसे निकलेगा, अब सर वही बताने जा रहे हैं। Yes, आपने बिल्कुल सही बोला। इट मीन्स जो भी चैप्टर नंबर 1 में हमने बातें की थी कि रेजिडेंट के ये रेट होंगे, एनआर के ये रेट होंगे, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो सारी कैलकुलेशन, उनका स्टेटस डिटरमिनेशन, वो सारी की सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आपको आती है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में हमें दो बातें सीखनी है। पहली बात तो हमें सीखनी है कि भैया इंडिया में रहने वाले हर पर्सन का स्टेटस कैसे निकालना होता है, और दूसरी बात हमें सीखने की जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट कर लोगे तो स्टेटस निकालने के बाद उसकी मैक्सिमम कितनी इनकम आप इंडिया में टैक्सेबल करोगे, दूसरी बात हमें यहां पर ये देखनी है। ये बात क्लियर है? अच्छा एक बात मैं और सोच के बताना, एक बात और सोच के बताओ, जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था ना, तो उस चैप्टर नंबर 1 में हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन नंबर 4 अगर आपको ध्यान आ रहा हो, और सेक्शन नंबर 4 हमारा किसका था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट या चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इट मीन्स पूरा इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल तब होगा जब सेक्शन 4 में दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अब सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। अब सेक्शन 4 कंप्लीट होने के बाद सेक्शन 5 से लेके 9 तक आपके जो भी सेक्शन है ना, वो सारे के सारे रेजिडेंशियल स्टेटस के हैं। इट मीन्स याद करो, आपका आप सब जानते हो इनकम टैक्स एक्ट या कोई भी एक्ट होगा ना, सेक्शन नंबर 1 किसका होता है कि जो भी एक्ट है वो इंडिया में कहां तक एप्लीकेबल होगा, तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जीएनके सारी बातें हमें पता है। सेक्शन नंबर 2 किसका होता है, डेफिनेशन का, ये भी हम सब जानते हैं। सेक्शन नंबर 3 किसका है, याद करो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 3 में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, और 5 से लेकर 9 तक जो प्रोविजन होंगे वो सारे किसके होंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। इनकम टैक्स एक्ट में जब भी आप जाओगे ना, जब भी आप जाओगे, कभी भी आपको जानना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है, प्रोविजन क्या क्या है, 5 से लेके 9 तक प्रोविजन फॉलो कर लेना, आपका यहां पर काम हो जाएगा। तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में 5 से लेके 9 तक के जितने प्रोविजंस होंगे, सारे प्रोविजन जो होंगे वो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से जी, ये लो जी, एक बार चेक करो जी चैप्टर, पहले तो चैप्टर की हेडिंग डालो फटाफट से, नोटबुक खोलो, यहां पे आएगा चैप्टर नंबर 2। लो जी नोटबुक खोलो फटाफट से और हेडिंग डाल दो रेजिडेंशियल स्टेटस।
सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक, सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक, उसके बाद लिखो जी सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 लिखो जी। 5 हमारा है स्कोप ओब्लिक मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ओब्लिक मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 हमारा किसका है, रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेटस निकालते कैसे हैं। आपको चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, चैप्टर में कोई लॉजिक्स नहीं है, चैप्टर में सिर्फ ये है टाइम लिमिट निकालनी है, कितने दिन रहा वो निकालने हैं। अब दिन इतने ही क्यों रखे इसका लॉजिक नहीं है, दिन अगर गलत निकालोगे तो स्टेटस चेंज हो जाएगा, और अगर दिन सही निकालोगे तो स्टेटस बिल्कुल सही आएगा। तो इस चैप्टर में ये समझने वाली बातें ये है कि स्टेटस क्यों निकाला गया, बट इतने दिन ही गवर्नमेंट ने क्यों रखे, तो वो दिन हमें याद करके चलने पड़ेंगे भाई इतने दिन हमें गवर्नमेंट ने क्यों रखे, ठीक है जी। और एक आपको बता दूं सर, फाइनेंस एक्ट 20 जो भी लेटेस्ट बजट आया है उस बजट में इस चैप्टर में अमेंडमेंट्स आई हैं, तो प्लीज 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 वो अमेंडमेंट्स हमारे किसी काम की नहीं है। जिनके एग्जाम जून 21 में होंगे उनके एग्जाम में अमेंडमेंट्स आएंगे, तो प्लीज क्लास के बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा किसी को भी कि अमेंडमेंट आई है सर ने कराई नहीं है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 20 के अमेंडमेंट है और वो हमारे किसी भी एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो जून हो चाहे वो दिसंबर हो, ठीक है। तो जो हम अमेंडमेंट्स हम करेंगे वो फुली अमेंडेड होगा, इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट आपको ना तो जून के लिए करनी है ना ही दिसंबर के लिए करनी है, जो अमेंडमेंट करनी होगी मैं आपको बता दूंगा अपने आप, ठीक है ना। चलो आगे लिखो फिर यहाँ पे सेक्शन नंबर 7, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और देखो मैंने क्या लिखा है, विल डिस्कस इन सैलरी चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा सैलरी का होगा, अगला चैप्टर हमारा सैलरी का होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, उसी में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 7 क्या है। सेक्शन नंबर 8 नॉट रेलिवेंट है, किसी काम का नहीं, एक पावर है वो हमारे किसी काम की नहीं है। और सेक्शन नंबर 9 है इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9 भी आपके सिलेबस में ना पूरा नहीं है, ये पूरा डिटेल में है सीएस प्रोफेशनल के अंदर, आपके सिर्फ एग्जाम में वर्किंग नॉलेज है कि सेक्शन नंबर 9 की सिर्फ इनकम की लिस्ट दी है, तो डिटेल भी नहीं है, वो सारी बातें हमारी आगे जाकर है। तो मेन हमें जो सेक्शन करने हैं ना, एक तो सेक्शन नंबर 5 हमें अच्छे से करना है, एक सेक्शन नंबर 6 हमें यहां पर अच्छे से करना है, 9 की हमें वर्किंग नॉलेज लेनी है, 7 हमें अच्छे से करना है सैलरी चैप्टर में, 8 हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो मेनली रेजिडेंशियल स्टेटस में टोटल 4 सेक्शन हमें करने हैं, 5, 6, 7 और 9। 7 करेंगे सैलरी में, इस चैप्टर में 3 सेक्शन करने हैं, एक तो 5 करना है, एक 6 करना है और एक 9 करना है, ये बात क्लियर है। अच्छा अब एक बार ना इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, इन सेक्शन की हेडिंग लिखी क्या है, एक बार प्लीज बोलना पीछे बोलना क्या लिखा है। हनी बोलना स्टार्ट करो फटाफट से, आप बोलो फटाफट पीछे क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलना स्टार्ट करो। 5 की हेडिंग क्या लिखी है बोलो, स्कोप ओब्लिक मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, ये बात लिखी हुई है। अब एक बात में सोच के बताना, एक बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा सर एक डाउट मेरे मन में आ रहा है कि सेक्शन 5 ये बात कहना चाह रहा है स्कोप ओब्लिक मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। अब एक तो जो चैप्टर नंबर 1 में आपने हमें बताई थी कि टोटल इनकम भाई ग्रोस टोटल इनकम माइनस में डिडक्शन, तो वो क्या था फिर सर? अगर आपने सेक्शन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ाओ ना, सेक्शन नंबर 5 ये कहीं नहीं कह रहा हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। इट मींस वो ये बात कहना चाह रहा है कि एक पर्सन की टोटल इनकम मैक्सिमम कहां तक टैक्सेबल होगी, वो सारी बातें 5 में है। इट मींस अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, रेजिडेंट के हाथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, वो सारी बातें 5 में है। अगर आप इंडिया में एनआर हो, आपके हाथ में मैक्सिमम कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, 5 में है। आपकी इनकम कैलकुलेट कैसे होगी, वो सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखी थी। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में फर्क समझ के चलना, जो हमने वहां पर सीखा वो सीखा था हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, और अब जो हम सीखेंगे ना वो है मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। इट मीन्स मीनिंग का मतलब होता है एक पर्सन की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी वो नहीं बताएंगे, एक पर्सन की टोटल इनकम में कितनी इनकम आएगी वो बातें यहां पर होंगी। मतलब इंडिया की इनकम आएगी, बाहर की इनकम आएगी, ग्रोस इनकम आएगी, नेट इनकम आएगी, टैक्सेबल इनकम आएगी, एग्जम्प्टेड इनकम आएगी, कौन सी इनकम नहीं आएगी, कौन सी इनकम आएगी, ये सारी की सारी बातें सेक्शन नंबर 5 के अंदर होंगी, ठीक है ना। तो जो भी इनकम आएगी उस इनकम को यूज करके आपने टोटल इनकम निकालनी कैसे होगी, दैट इज हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, ये बात क्लियर है। उसके बाद चेक करना फिर यहां पर सेक्शन नंबर 6 किसके, एक बार हेडिंग बोलो क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है कि एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा, इंडिया में एनआर कब बनेगा, ये सारी बातें आपके यहां पे लिखी होंगी। अच्छा एक बात मैं सोच के बताना,
इन दोनों में से सबसे पहले हमें सेक्शन पढ़ना कौन सा होगा? मतलब पहले हमें सिक्स पढ़ना पड़ेगा या पहले में फाइव पढ़ना पड़ेगा? सर पहले में पढ़ना पड़ेगा सिक्स, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारा स्टेटस क्या है तो हमारी टोटल इनकम क्या होगी वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एक बात मैंने सोच के बोला सर, एक बात मैंने सोच के बोला, आपके फादर आपके साथ ही बैठे हैं, अब वो भी क्लास देख रहे हैं तो चलो उनसे ही बातचीत हो ही जाएगा। अंगली एक बात मैंने सोच के बताओ, एक बात मैंने सोच के बताओ, आपने बहुत सारी जगह पे इनकम कमाई है, फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में भी इनकम रिसीव की, इंडिया में इनकम कमाई भी है, बाहर भी इनकम कमाई, बाहर भी इनकम रिसीव की, आपने हर जगह पे इनकम कमाई है। मेरा क्वेश्चन आपसे अंकल जी, अब जब आपने हर जगह पर इनकम कमाई है, हर जगह पर इनकम कमाई है, तो आपकी वो सारी इनकम में से कौन कौन सी इनकम आपकी इनकम में ऐड करूंगा इंडिया में, वो बातें तभी तो पता लगेंगी, पहले ये पता लगे आपका स्टेटस क्या है। अब अंकल ही कह रहे हैं अपने बेटे को कि बेटे मुझे ऐसा लग रहा है विवेक सर ना पगला गए हैं, क्या उन्हें नहीं पता हम सब इंडिया के रेजिडेंट हैं? इट मींस आप सब इंडिया के रेजिडेंट हो या मैं भी इंडिया का रेजिडेंट हूं, पहली बात तो हमारे बर्थ पर डिपेंड नहीं करता। आपको मैंने क्लास नंबर वन के अंदर भी बताया था, आपको मैंने क्लास नंबर वन के अंदर भी कहा था कि आपका बर्थ कहां पर है इट डजंट मीन आप इंडिया के रेजिडेंट हो। हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड सब बेकार की बातें हैं, कंडीशन क्या होंगी वो सारी बातें यहां पर देखनी पड़ेंगी। तो अंकल जी मैंने इनको क्लास नंबर वन के अंदर ही बता दिया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस कभी बर्थ पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ डेज कितने दिन रहे उस पर डिपेंड करता है। और जब तक हमें यही पता नहीं होगा, जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि हमारा स्टेटस क्या है, तो हमारी टोटल इनकम कितनी टैक्सेबल होगी हम निकाल ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमें सेक्शन नंबर सिक्स पढ़ना पड़ेगा, देन हमें फाइव पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल बात यह, जब सिंपल बात यह बात ध्यान रखना कि जब भी आपको टोटल इनकम निकालनी हो, सबसे पहले आप स्टेटस निकालोगे, और जब भी आप स्टेटस निकालोगे उसके बाद ही कैलकुलेट करना कि आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी। ये बात क्लियर है? तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर सिक्स सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर कहीं जाकर हम फाइव पर आएंगे, और सेक्शन नंबर सिक्स कम से कम भी नाना करते भी हमारा मिनिमम कह रहा हूं 2 लेक्चर का तो है। तो ये चैप्टर में टोटल वैसे लगने हैं 3 से 4 लेक्चर, टोटल लगने हैं 3 से 4 लेक्चर, बट 2 लेक्चर का सेक्शन नंबर सिक्स है, बाकी जो सेक्शन है वो हमारे अप्रोक्सीमेट 1 लेक्चर खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास में सेक्शन नंबर सिक्स खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में होप सो खत्म हो जाए, वो डिपेंड करता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन कब होगी। आपकी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहा, मुझे कब होगी तब ये सेक्शन नंबर सिक्स में खत्म करूंगा, ठीक है ना। अब इस सेक्शन नंबर सिक्स को स्टार्ट करने से पहले ना, इस सेक्शन नंबर सिक्स को स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप मुझे उसके आंसर देना। बच्चा कहता है सर आप ना हमसे क्वेश्चन आंसर क्विज खेला करो ताकि हमारा भी मन लगा रहे और हमको भी ऐसा ना लगे कि सर सर बोलते जा रहे हैं हमसे पार्टिसिपेट करवा ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो क्लास में कई बार हमसे पार्टिसिपेट करवाते थे, आप हमें माइक देते थे बोलने के लिए, अब तो वो जमाने चले गए हैं। कोई बात नहीं, वो जमाने वापिस आएंगे। अभी आपके घर में जो भी कुछ पड़ा है ना आसपास, जो भी मोबाइल भी है, मोबाइल को अपने मुंह पे लगा लेना और मुझे आंसर देना, क्लियर है? क्योंकि ऑब्वियस बात है हमें दुनिया वाले पागल समझे क्या हो गया, हमें तो पढ़ना है ना, हमें तो पढ़ने से मतलब है, दुनिया से थोड़ा मतलब है। एक बात मैंने सोच के बोला, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अब जो भी आपके हाथ में है आपने बोल के बताना है मुझे उसका आंसर क्या। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम सेक्शन सिक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की बात करते हैं, तो रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार सोच के बोलना, एक बार सोच के बोलना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, ओ और ये मेरे नोनू मोनू सोनू है, ठीक है नहीं? इधर देखो ध्यान से नालायकों, ये मेरी मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरी मम्मी, मेरे पापा। अब इसमें से ये हाइपोथेटिकल है, ये अभी रियलिटी नहीं है, और ये सब रियलिटी है। प्लीज ध्यान सुनना, आपके घर में आप भी ऑब्वियस बात है, पापा हैं, मम्मी हैं, आप हो, भाई है, बहन है, सब लोग हो ना। आप सोच के बोलना, सोच के बोलना, मेरे फादर इंडिया के रेजिडेंट हैं, मेरी मदर इंडिया की रेजिडेंट है। तो अगर मेरे फादर मदर इंडिया के रेजिडेंट हैं तो क्या मैं भी इंडिया का रेजिडेंट हूं? क्या जरूरी है? गवर्नमेंट कहती नहीं। मेरी वाइफ इंडिया की रेजिडेंट है तो क्या मैं भी रेजिडेंट हूं? यह भी जरूरी नहीं है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया के रेजिडेंट है, तो क्या उस कंपनी में काम करने वाला हर एम्प्लॉई भी इंडिया का रेजिडेंट हो गया? क्या जरूरी है? नहीं है। इट मीन सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे ना, जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करोगे।
इट मीन्स हर इंडिविजुअल का अलग कैलकुलेट होगा, कंपनी का अलग निकलेगा, फर्म का अलग निकलेगा, एचएफ वाला. इट मीन्स हर पर्सन का स्टेटस अलग अलग निकालना, सबका स्टेटस सेम कैलकुलेट मत करना, बस ये बात ध्यान देना. तो रूल नंबर वन सेक्शन सिक्स स्टार्ट करने से पहले कि जब भी आप किसी कंपनी का स्टेटस निकालोगे या किसी का भी स्टेटस निकालोगे तो हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करना, बस ये बात ध्यान दो. पहला क्वेश्चन समझ में आ गया. सेकेंड रूल आप मुझे बताना सर, एक बात मुझे सोच के बोलना. अब जो ये हम स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, जो भी हम स्टेटस निकालेंगे, किस साल का निकालेंगे? मतलब क्या ये स्टेटस हम प्रीवियस ईयर का निकालेंगे, असेसमेंट का निकालेंगे? ये स्टेटस हम निकालेंगे प्रीवियस ईयर का. रीजन बिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनकम निकालनी होती है और जिस साल की इनकम निकालेंगे उसी साल का स्टेटस निकालेंगे. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भैया स्टेटस जो है इनमें से किस साल का निकालोगे, प्रीवियस ईयर का निकालोगे, असेसमेंट ईयर का नहीं निकालोगे. फिर तीसरा रूल ऑलवेज ध्यान रखना, एक बात मैंने सोच के बोलना, क्या एक पर्सन एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है? यस. अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कमाल की बात है कि एक ही आदमी एक साल में मोर देन वन कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है? यस, बन सकता है. लेट्स एन एग्जांपल, मान लो इंडिया में कंडीशन है कि अगर आप 182 डेज रहोगे ना, आप इंडिया में रेजिडेंट बन जाओगे. मैं 183 डेज रहा, मैं रेजिडेंट बन गया. फिर मैं फॉर एग्जांपल मान लो जापान में गया, फिर मैं चाइना, नहीं चाइना में नहीं गया, चाइना तो बेकार चीज हो चुकी है इस टाइम. चाइना में नहीं गया, मैं जापान में गया, जापान का भी पता नहीं, मतलब मैं किसी अलग अलग कंट्री में गया और हर कंट्री में अलग अलग कंडीशन, और वो सारी कंडीशन मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं, तो मोर देन वन कंट्री का भी रेजिडेंट बनना अलाउड है. तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि एक पर्सन एक साल में एक ही कंट्री का रेजिडेंट बनेगा, ऐसा लोग कहीं नहीं है. मोर देन वन कंट्री के भी आप रेजिडेंट बन सकते हो, क्योंकि रेजिडेंट बनना या ना बनना वो आपकी बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, कंडीशन पे डिपेंड करता है. तो रूल नंबर थ्री क्या निकल के आ रहा है? रूल नंबर थ्री ये निकल के आ रहा है कि एक पर्सन एक ही साल में मोर देन वन कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, बस ये बात ध्यान दो. फिर चौथा रूल ये निकल के आ रहा है, एक बात सोच के बताओ, एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है. अब अगर एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, क्या ये इंडियन सिटीजन भी होगा? क्या ये कंपलसरी है? नहीं. एक पर्सन इंडियन सिटीजन है तो क्या ये हमेशा इंडिया का रेजिडेंट भी होगा? ये कंपलसरी नहीं है. और बहुत सारे फॉरेन सिटीजन ऐसे हैं जो इंडिया के रेजिडेंट है. फॉर एग्जांपल राहुल गांधी की फैमिली देख लो, पप्पू अपने जो है. अब जो ये फैमिली है इटालियन सिटीजन है, बट रेजिडेंट कहां की है? इंडिया की है. मदर टेरेसा, मदर टेरेसा इटली की सिटीजन थी मेरे ख्याल से, और रेजिडेंट इंडिया की थी. इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर के सिटीजन हैं, रेजिडेंट इंडिया के हैं. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग लेके चलना कि सिटीजन होना, रेजिडेंट होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट ही आपके लगे हैं, बस ये बात ध्यान दो. ये बात क्लियर है तो मुझे फटाफट से बोल दो सर. मैंने अभी तक चार रूल आपको बताए हैं. सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया कि जब भी आपको स्टेटस निकालना होगा हर पर्सन का सेम निकालोगे, सेपरेट निकालोगे, सेपरेट निकालोगे. रूल नंबर टू मैंने क्या बताया कि जब भी आप स्टेटस निकालोगे किस ईयर का निकालोगे, प्रीवियस का, असेसमेंट का, प्रीवियस ईयर का निकालोगे. तीसरा मैंने क्या बताया कि एक पर्सन एक ही साल में मोर देन वन कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि रेजिडेंट बनना या ना बनना वो कंडीशन पे डिपेंड, कंडीशन पे डिपेंड करता है, बर्थ पे डिपेंड नहीं करता. एंड रूल नंबर फोर मैंने क्या बताया है, एक पर्सन इंडियन सिटीजन है, इंडिया का रेजिडेंट ही होगा, कंपलसरी नहीं है. एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है. एक पर्सन फॉरेन सिटीजन है, वो भी रेजिडेंट बन सकता है. और एक पर्सन रेजिडेंट इंडिया का है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं भी होगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट और सिटीजन होना ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं. तो ये चारों रूल ध्यान रखना सेक्शन नंबर सिक्स के स्टार्ट होने से पहले. ये बात क्लियर है तो आओ पहले इन रूल्स को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे सेक्शन नंबर सिक्स में क्या क्या हमें लिखना है. ठीक है, आओ जी फटाफट से. अब जहां पर आपने हेडिंग डाली है, जहां पर आपने हेडिंग डाली है, पहले तो ऐसा करो उस हेडिंग के नीचे लिखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो पहले. तो इंपॉर्टेंट नोट लिखो जी. टोटल इनकम ऑफ असेसी इज बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी. कि एक पर्सन की जो टोटल इनकम है, एक पर्सन की जो टोटल इनकम है
वो बेस्ड है उस पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पर, ठीक है ना। कि जब भी आपको किसी की टोटल इनकम निकालनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, तो गलती से भी गलत आंसर मत दे के आना, कोई इंडियन सिटीजन मत लिख के आना, कोई इंडियन ओरिजिन मत लिख के आना। कि जब भी क्वेश्चन बना कि टोटल इनकम किस पर बेस्ड होती है, तो आंसर क्या आएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस पर। दोबारा बोलो, टोटल इनकम किस पर बेस्ड होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस पर। उस पर ही डिपेंड करेगा कि एक पर्सन की मैक्सिमम इतनी इनकम कितनी टैक्सेबल होगी, वो सारी बातें आपको यहां पे लिखनी है, ठीक है। नहीं, अब यहां लिखो जी, इंपॉर्टेंट रूल्स बिफोर रीडिंग दी सेक्शन नंबर 6। लो जी, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको सेक्शन नंबर 6 की रीड करने से पहले आपको ध्यान देनी है। अब वो कौन कौन से हैं, लिखो जी, लिखो यहां पर, यहां से लिखना स्टार्ट करना है। द बेसिक रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। द बेसिक रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक तो ये वाला पॉइंट लिखना है, एक ये वाला पॉइंट लिखना है, एक ये वाला पॉइंट लिखना है, और एक ये वाला पॉइंट लिखना है। लिखने तो वैसे आपको सारे ही हैं, ये ना आपको लिखने वैसे यहां तक सारे रूल्स ही हैं, बट अभी हमने चार समझे हैं, तो सिर्फ चार लिखवा रहा हूं। और इन चार को लिखने के बाद ना, इन चार को लिखने के बाद सुन लो, नाले को सुन लो, क्योंकि आपने कर लिया होगा पोज, और आप सुनोगे नहीं और फिर बाद में करोगे गलती, तो भी सुन लो। इन चारों को लिखने के बाद कम से कम भी एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। किस लिए, ये जो सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसलिए, या तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिख लो आपकी बुक में दिए हुए, या तो ये सारे पॉइंट्स एक साथ लिख लो, फिर जैसे समझेंगे वैसे वैसे कंप्लीट होते रहेंगे। या अभी ऐसा करो, जो अभी हमने समझे हैं चारों पॉइंट, पहले वो चारों लिख लो, उसके बाद जैसे समझेंगे फिर वैसे वैसे लिखते रहना, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो फटाफट से, लिखना स्टार्ट करो। मैं एक बार फटाफट से रीड करता हूँ, देखो क्या लिखा होगा, वही सेम बात लिखी होगी जो अभी हमने पढ़ी है। एक बार चेक करो, रेजिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। हर पर्सन का सेपरेट निकालेंगे। देर आर सेपरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड सेपरेट रूल फॉर कंपनी। मतलब इंडिविजुअल के अलग हैं, कंपनी के अलग हैं, फर्म के अलग हैं, तो हर पर्सन के सेपरेट रूल्स हैं, इसलिए हम सबका अलग अलग निकालेंगे। सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर। हम किस साल का निकालेंगे, प्रीवियस ईयर का, बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। हमें क्योंकि टोटल इनकम किसी निकालनी होती है, प्रीवियस ईयर की निकालनी होती है। फिर अगला पॉइंट कह रहे हैं, ए पर्सन मे बी रेजिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री ऑफ एनी प्रीवियस ईयर इफ वाई इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 1920। इट डज नॉट मीन दैट ही कैन नॉट बी रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री फॉर दैट प्रीवियस ईयर। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री के भी रेजिडेंट बन सकते हो। अगर आप किसी कंट्री के रेजिडेंट बन चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरी कंट्री के रेजिडेंट नहीं बन सकते, ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ। उसके बाद, सिटीजन ऑफ ए कंट्री एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री आर सेपरेट कॉन्सेप्ट। ए पर्सन मे बी एन इंडियन सिटीजन बट मे नॉट बी रेजिडेंट इन इंडिया। ऑन दी अदर हैंड, ए पर्सन मे बी ए फॉरन सिटीजन बट मे बी रेजिडेंट इन इंडिया। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा इंडिया में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिटीजन बाहर के हैं बट वो रेजिडेंट इंडिया के हैं, वो सारे इस क्लोज में कवर होते हैं। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि इन चारों को ध्यान में रख के फिर सेक्शन 6 स्टार्ट करोगे। और भी बहुत सारे रूल्स हैं बट वो पॉइंट टू पॉइंट जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे हम लिखते रहेंगे, ठीक है जी। तो पहले हमें चार रूल लिखने हैं और एक पेज का ब्लैंक छोड़ देना पूरा का पूरा, वहां वहां पर हमें सारे रूल्स अभी और भी लिखने हैं, ठीक है जी। अब फटाफट से मुझे पहले बताओ इन चार रूल्स में क्या क्या लिखे हैं आपने। रूल नंबर वन क्या लिखा है जी, रूल नंबर वन, जब भी आपको स्टेटस निकालना है हर पर्सन का, सेम निकालना है सेपरेट निकालना है, सेपरेट निकालना है, रूल नंबर वन ये है। दूसरा, जब भी आप स्टेटस निकालोगे किस साल का निकालोगे, प्रीवियस का, असेसमेंट का, प्रीवियस का निकालोगे। तीसरा रूल आपने क्या बोला कि जब भी आपको स्टेटस निकालना होगा तो आप मोर देन वन कंट्री के भी रेजिडेंट बन सकते हो, तीसरा रूल नंबर ये। और चौथा रूल ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो आप इंडिया के रेजिडेंट बनोगे, ये भी कंपलसरी नहीं है। आप फॉरेन सिटीजन हो बाहर के रेजिडेंट बनोगे, ये भी कंपलसरी नहीं है। इट मीन्स आप बाहर के सिटीजन होने के बाद इंडिया के रेजिडेंट भी बन सकते हो, और इंडियन सिटीजन होने के बावजूद भी आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं भी बन सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन सेटिस्फाइड की या नहीं की, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती है। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, अब इन सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना
अरे जिन्होंने जो YouTube वाले बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, तो मैं उनके लिए दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको सारे पॉइंट्स अभी नोट डाउन करने हैं, चार पॉइंट तो आपने नोट डाउन कर लिए, आगे फोटो क्लिक कर लो, ये लो, इसकी भी कर लो, इसकी भी कर लो, पहले इन दोनों की क्लिक करो, ये आप लिख लेना, ये अपना लिख लेना, क्योंकि कल अगर मेरी क्लास यूट्यूब पे नहीं डलेगी तो जो मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, फेस टू फेस वाले हैं, वो तो लिख ही लेंगे, क्योंकि उनको मैं लिखवा दूंगा, आप मे भी ना लिखवाओ क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं है तो। उसके बाद ये लो, फिर ये पोस्ट करके, एक दो तीन चार पाँच, तो 5 और 2 7 और 4 11, टोटल 11 रूल हैं जो सेक्शन 6 से पहले हमें पढ़ने होते हैं। 4 अभी हमने पढ़ लिए, 7 अभी और पढ़ने हैं, अभी समझ में नहीं आएंगे, जैसे जैसे हमारा सेक्शन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे कंप्लीट होते रहेंगे, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है जी, क्लियर है जी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, अब इधर देखना ध्यान से, अब रेजिडेंशियल स्टेटस जो मैं निकालना है ना, अब यहां पर देखो जी, अब सेक्शन 6 में एक बार लिखो यहां पे, अब यहां पे ब्लैंक पे छोड़ लिया जिन बच्चों ने, उसके बाद लिखो जी सेक्शन नंबर 6, रेजिडेंशियल स्टेटस, तीन कैटेगरी बनाओ, तीन कैटेगरी, एक तो यहां पे लिखो इंडिविजुअल का निकालना होगा, इसको निकालने के अलग रूल्स हैं, एक हमें निकालना होगा कंपनी का स्टेटस, इसको निकालने के अलग रूल्स हैं, और एक हमें निकालना होगा एनी अदर पर्सन, इसको निकालने के अलग रूल्स हैं, ठीक है। ये तीन रूल्स आपके निकल के आ रहे हैं, और एनी अदर पर्सन में क्या आता है, यहां पे आपके आएंगे HUF, AOP, BOI, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, ये सब लोग यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो हमारा है इंडिविजुअल का। लो जी, अब पूरा टाइम यहां पे लगा देना सर, अब जो बैलेंस हमारी बची हुई जो भी क्लास है आज की, और इवन अगले आने वाली जो भी आधी क्लास होगी ना, वो सारी इस वर्ड के ऊपर होगी। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर हेडिंग डालो, रेजिडेंशियल स्टेटस, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, कि आपको जो स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल वाले केस में, वो कैसे निकालना है, ठीक है जी। आओ जी, अब एक बार पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम नोटिंग करेंगे, एक बार पहले रीड करते हैं। लो जी, अब एक बार यहां पे आना, देखो जी, ये आपका है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, कि अगर आपको स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल का, तो आपको स्टेटस कैसे निकालना होगा। अब बहुत ध्यान से देखना, पहली बात तो इतना माइंड में क्लियर करके चलो, कि जब भी स्टेटस निकालोगे, ना तो बर्थ के बेस पे होगा, ना ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, मम्मी कहाँ की है, पापा कहाँ की है, दादा कहाँ की है, दादी कहाँ की है, इन सबको बाहर निकाल के फिर लो पढ़ना कि लो में क्या लिखा है। और आज हम लाइफ में ये ध्यान देने जा रहे हैं कि यार पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, यार पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, वो सब इंडिया के रेजिडेंट कब बनेंगे। अगर मैं डोनाल्ड डक की बात करूँ, डोनाल्ड डक नहीं सॉरी डोनाल्ड ट्रंप की बात करूँ, तो वो रेजिडेंट कब बनेगा वो भी देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये बाहर जो आपके पुतिन हैं, ये जितने भी आपके राष्ट्रपति महाराष्ट्रपति जो भी हैं, वो सब रेजिडेंट बन जाएंगे अगर वो सेक्शन 6 में दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। अब वो सेक्शन 6 में कौन कौन सी कंडीशन है, कितनी कंडीशन है, वो सारी की सारी बातें आज हमें यहाँ पर देखनी है, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से लोगों को पढ़ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके मम्मी पापा दादा दादी आप कहाँ के पैदा हुए, इन सब बातों पर डिपेंड नहीं करता, रेजिडेंट हो या नहीं हो, आधार कार्ड कहाँ का है, पैन कार्ड कहाँ का है, वोटिंग लाइसेंस कहाँ का है, सब बेकार की बातें हैं, पासपोर्ट कब बना ये बेकार की बातें हैं, आपका स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा वो देखने जा रही है, ठीक है ना। तो पूरे वर्ल्ड से कोई भी आज इंडिया में आता है, अगर वो इंडिविजुअल ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा ना, वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा, अब वो देखने जा रहे हैं। आओ जी, एक बार चेक करो, लो क्या कहना चाह रहा है, वो ये बात कहना चाह रहा है एन इंडिविजुअल, बस यहीं पर रुक जाओ। अब पहले तुम इतना बताओ यहां पर वर्ड क्या लिखा है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर कि एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, मतलब इंडिविजुअल कौन सा,
इंडियन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन या दोनों, वो दोनों की बात कर रहे हैं। इंडियन ओरिजन, फॉरेन ओरिजन या दोनों, दोनों। उसने इंडिविजुअल वर्ड बोला है, उसने ये नहीं बोला इंडियन सिटीजन, मतलब वो ये बात कहना चाह रहा है। सर प्लीज यहां पर माइंड रखना, एक बच्चा कह रहा है सर आप बीच में मजाक किया करो, नालायक मैं यहां पर डेली मुजरा करके तो दिखाऊंगा नहीं, कि जब समझने वाली बात होगी तो हम समझेंगे ना। देखो मजाक जहां मुझे करना होगा मैं करूंगा, उसके अलावा आपने बिल्कुल हंसना नहीं है। जहां मैं मजाक करूंगा वहां सिर्फ आपने हंसना है, ठीक है ना। मैं आपको अपने बता दूंगा कि आपको यहां पर हंसना है, उसके बेस पे आपने हंसना स्टार्ट कर देना, और जहां मैं बोलूंगा रुक जाओ वहां आपने रुक भी जाना है, ठीक है ना। तो अब मैं अपने अब जहां जहां मुझे मुजरा करके दिखाना होगा मैं अपने मुजरा करके दिखा दूंगा। तो प्लीज 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 अभी जब काम की बात है तो बीच में मुजरा नहीं चलता, बीच में मजाक नहीं चलता, हमें समझना पड़ेगा लो में क्या लिखा है, ठीक है ना। तो हमें सब कुछ समझ के चलना है। अब प्लीज ध्यान से बोला यहां पर क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स क्या, इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, इंडियन ओरिजिन हो, फॉरेन ओरिजिन हो, कोई भी हो, मतलब पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल जो होगा ना इस वर्ड के अंदर आ गया। अब लो ये बात कहना चाह रहा है एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा इफ, कब, इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा घर के अंदर बैठे बैठे, सोच समझ के बोलना। सबसे पहली बात, ये जो कंडीशन गवर्नमेंट बताने जा रही है ये इंडिया के लोगों पर लगेगी, बाहर के लोगों पर लगेगी, इंडियन सिटीजन पर लगेगी, फॉरेन सिटीजन पर लगेगी, इंडियन ओरिजन पर लगेगी, फॉरेन ओरिजन पर लगेगी, या सब पर लगेगी, सब पर लगेगी। और पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से 205 अब कंट्री हैं जो यूएन से अप्रूव हो चुकी, 205 कंट्री ऐसी हैं जो हमारी टोटल हैं। अब उस 205 कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल रहते होंगे ना, सब इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बनने से पहले सेक्शन 6 पड़ेगा। सर वो ये कहीं नहीं कह रहे कि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं, मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप वर्ल्ड से कहीं से भी आए हो, आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हो, आप किसी भी कंट्री के ओरिजन हो, हम आपको इंडिया का रेजिडेंट मान लेंगे, कब, अगर इन दोनों में से सिंगल कंडीशन भी आपने सेटिस्फाइड कर दी। अब एक बच्चा कह रहा है सामने बैठे, देखो ये सामने जो बैठा ना बिल्कुल लैपटॉप लेके, उनसे बच्चा का क्वेश्चन आ गया। बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता है सर आपने बोला कि दो कंडीशन है, एक तो बेसिक कंडीशन वन है और एक बेसिक कंडीशन टू है। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। अब कहता सर अगर ये दो कंडीशन है इन दोनों में से सेटिस्फाइड कितनी करनी है, दोनों। मैंने कहा नालायक लिखा तो एनी वन। अच्छा अब एनी वन का मतलब क्या है, एनी वन मीन्स क्या, कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, दूसरी करनी है, या कोई भी एक करनी है, कोई भी एक करूंगा तो रेजिडेंट बन जाऊंगा। सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। मैंने पहली कंडीशन सेटिस्फाइड की, सेकंड नहीं की। मैंने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड की, पहली नहीं की। और मैंने दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर दी और मैंने दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं की, तो बताओ मेरा केस क्या होगा। अब अगर मैं पहली कर दूंगा दूसरी नहीं करूंगा तो भी रेजिडेंट बन जाऊंगा, पहली नहीं करूंगा दूसरी करूंगा तो भी बन जाऊंगा, दोनों करूंगा तो रेजिडेंट बन ही जाऊंगा, दोनों नहीं करूंगा ना फिर कहीं जाकर मैं कैटेगरी में कवर होता हूं एनआर की। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल इन दोनों में से, अब जो भी दो कंडीशन है वो देख लेंगे, बट उन दोनों में से सिंगल कंडीशन भी, चाहे वो सिंगल कंडीशन कोई भी हो, पहली है, दूसरी है, दोनों है, आपने बस एक सेटिस्फाइड करनी है, चाहे वो कोई भी करो, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी ना, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है, आओ जी एक बार चेक करते हैं। देखो जी लो में क्या लिखा है। अब लो ये बात कहना चाह रहा है, पहली कंडीशन देखना ध्यान से, वो कहना चाह रहा है ही इज इन इंडिया, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बस लो जी पहली कंडीशन हमने ध्यान से पढ़ी है, एक बार ना दोबारा से पढ़ना, एक बार दोबारा से पढ़ना, और इस कंडीशन को ना पहले अब आप पढ़ोगे और फिर मेरे कुछ आपसे क्वेश्चन होंगे, आप मुझे उसके आंसर दोगे, ये बात कंफर्म है। यस मेरे साथ पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। एक लाइन में से क्वेश्चन मेरे बहुत सारे हैं, अब मुझे नहीं पता किसने ध्यान से पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा पूरी फैमिली से आ रहा है, सोच समझ के बोलना पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक बार मुझे सोच के बोलना। सर पहली कंडीशन में क्या बोला कि इंडिया में कम से कम कितने दिन रहना है, 182 डेज। अच्छा इंडिया में 182 डेज रहना है,
कैसे रहना है, मतलब अलग अलग रहना है या एक साथ रहना है या कैसे भी रहना है। वो कह रहा है अमाउंटिंग इन ऑल एग्रीगेट रहना है। एग्रीगेट का मतलब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक पर्सन है दिल्ली में रहा 50 दिन, इंडिया से बाहर चला गया, फिर वापस आया पंजाब में रहा 30 दिन, फिर बाहर चला गया, फिर वापस आया, फिर बिहार में रहा 60 दिन, फिर बाहर चला गया, फिर वापस आया, फिर रहा राजस्थान के अंदर मान लो 100 दिन। अब सोच के बोलना क्या मैं अलग अलग चेक करूंगा या एग्रीगेट। एग्रीगेट इट मीन्स लो, ये बात कहना चाह रहा है कि अगर एग्रीगेट पूरे साल में 182 डेज अगर आप रहे हो ना, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन, उसने बोला इंडिया में एग्रीगेट 182 डेज रहे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। इंडिया में कहां पर रहे, एक ही जगह पर रहे, अलग अलग जगह पर रहे, या इंडिया में कहीं पर भी रहे। इंडिया में कहीं पर भी रहे। एक बच्चा कह रहा है कई बार तो हमें लगता है कि आप ना मतलब बिना बात के टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि हमें पता नहीं क्या वर्ड इंडिया लिखा हुआ है। सर मैंने आपको कई बार बोला है कि आप मुझे ऐसे बीच में मत रोका करो, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की नहीं है कि जो खुद भी पढ़ सकते हैं, मुझे उनकी है जिनको 2 बार सुनने के बाद, 2 बार समझने के बाद समझ में आता है। और सिंपल से बात है, मेरे लिए हर बच्चा एक है। सर अगर मेरी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे मेरे 50,000 लोग हैं ना, तो 50,000 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। एक बच्चा कह रहा है यार मेरे को तो समझ में आ गया, तो आप आगे बढ़ा के भी देख सकते हो ना। बट मैं उन बच्चों से नाइंसाफी कैसे करूं जिनको दूसरी बार बोलूंगा तो समझ में आएगा। और ये कमी उनकी नहीं है सर, बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसी होती हैं। ऑब्वियस बात है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मेरे को तो भाई साहब कई बार 5 5 बार बोलना पड़ता था, फिर मुझे याद होता था। तो सिंपल सी बात यह है कि हर इंसान को पहली बार में समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता। तो प्लीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उसके कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ मेरे माइंड में चल रहा होता है। तो कभी ये मत समझना कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं। तो प्लीज अब यहां पर ध्यान देना, दोबारा से ध्यान देना। उसने क्या बोला, इंडिया में रहा, इंडिया में एक जगह पर या कहीं पर भी रहा, कहीं पर भी रहा। इट मीन्स अब लो ये बात कहना चाह रहा है, इंडिया में कहीं पर भी रहे, कैसे भी रहे, पूरे साल में अगर 182 डेज रहे ना, आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। अभी क्वेश्चन मेरे खत्म नहीं हुए। अब कई बच्चों ने वीडियो आगे बढ़ा दी होगी, उनको पता नहीं क्वेश्चन उनका स्किप हो गया। अगला मेरा क्वेश्चन यह, सोच समझ के बोलना। पहला क्वेश्चन इंडिया में रहना है, दूसरा क्वेश्चन टोटल 182 डेज रहना है, तीसरा क्वेश्चन सर मैं इंडिया में रहा बट बिजनेस के लिए नहीं रहा, नॉर्मल घूमने फिरने के लिए आया, और घूमने फिरने के लिए आया तो मैं टोटल इंडिया में फॉर एग्जाम्पल मैं रहा 185 डेज, मतलब 185 दिन, 185 डेज सिर्फ मैं घूमा। मैं रहने वाला बाहर का हूं बट इंडिया में 6 महीने से ऊपर सिर्फ मैं घूमा हूं, पूरा इंडिया मैंने घूम लिया और 185 डेज मैं रहा हूं, तो क्या मैं रेजिडेंट बन जाऊंगा? नहीं बन जाऊंगा, यस बन जाऊंगा। उसने कहीं नहीं लिखा कि इंडिया में किस काम के लिए आप रहे, चाहे वो बिजनेस के लिए रहे, पर्सनल के लिए रहे, किसी भी काम के लिए रहे, अगर टोटल इंडिया में 182 डेज अगर आप रहे हो ना, आप इंडिया के रेजिडेंट मान लीजिए जाओगे। अच्छा एक बात और सोच के बताना, अब जो ये 182 डेज मुझे रहना है वो किस साल में रहना है? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या होता है, एक बात में सोच के बोलना। सर आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 2021 रेलिवेंट है। तो अगर असेसमेंट ईयर 2021 रेलिवेंट है तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 1920 हो गया, ये बात तो क्लियर है। और उससे पिछला साल कौन सा हो गया, 1819 हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रीवियस ईयर कौन सा, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर ये भी है, प्रीवियस ईयर ये भी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, प्रीवियस ईयर किसी भी प्रीवियस ईयर में या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि जिस असेसमेंट ईयर के आपको निकालना है ना, उसे एकदम पिछला साल। इट मीन्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी असेसमेंट ईयर का बनेगा, उसे एकदम पिछले साल में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो रेजिडेंट बन जाओगे, अगर उसे पिछले साल में करोगे तो आप उस असेसमेंट ईयर के लिए रेजिडेंट बनोगे, ये जरूरी नहीं है। तो सिंपल सी बात ये समझाना चाह रहा हूं कि भैया यहां पर बहुत सारे वर्ड निकल के आ रहे हैं। पहला वर्ड इंडिया, इंडिया मीन्स पूरे इंडिया में कहीं पर भी रहो। अमाउंटिंग इन ऑल का मतलब एग्रीगेट रहो, किसी भी पर्पज के लिए रहो और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रहो, ये सारी बातें आप ध्यान देना। तो अगर मैं इंडिया में रहा हूं, एग्रीगेट रहा हूं, 182 डेज या उससे ऊपर रहा हूं, किसी भी पर्पज के लिए रहा हूं और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रहा हूं, अगर ये सारी कंडीशन मैं सेटिस्फाइड करूंगा फिर कहीं जाकर मैं रेजिडेंट बनूंगा, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनूंगा। अब एक बच्चा बोलता सर कि मान लो आप प्रीवियस ईयर ना, जैसे आपको निकालना है 2021 का निकालना है, ना ठीक है
कहता प्रीवियस ईयर मान लो 1920 में ना, आप प्रीवियस ईयर 1920 में मान लो 150 दिन रहे। अब अगर प्रीवियस ईयर 1920 में आप 150 दिन रहे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये मत बोल देना एनआर बन गया, मैं पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। और अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा फिर मैं किस पे आऊंगा? सेकंड कंडीशन पे आऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला था? दो कंडीशन है, दोनों में से एक सेटिस्फाइड करनी है। अगर पहली सेटिस्फाइड नहीं करूंगा तो सेकंड पर आऊंगा। सेकंड चेक करो, सेकंड क्या? सेकंड कहना चाह रहे हैं कि वो इंडिया में रहा 60 डेज और मोर, मतलब 60 दिन उससे ऊपर रहा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। एंड एक और कंडीशन भी है, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जिस असेसमेंट ईयर का स्टेटस निकालना है उसके पिछले साल में, उसके एकदम पिछले साल में 60 दिन उससे ऊपर हूं, और जिस साल में 60 दिन उससे ऊपर हैं उसके एकदम पिछले चार साल में 365 दिन उससे ऊपर है। मतलब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, बट अगर किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ा हो ना, कंडीशन टू में एक कंडीशन या दो कंडीशन है। सर कंडीशन टू में एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, एंड सेकंड कंडीशन पिछले चार साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे फिर कहीं जाकर रेजिडेंट बनोगे, नहीं तो रेजिडेंट नहीं बनोगे। तो मुझे फटाफट से बोल दो, दो कंडीशन आपको दी गई हैं, इन दोनों में से अगर सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दूंगा तो रेजिडेंट बन जाऊंगा, चाहे वो पहली करूं, दूसरी करूं, दोनों करूं, कोई भी करूं, बस एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी जरूरी है। और इन दोनों कंडीशन का क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि आपने जब भी रहने की बात होगी आप इंडिया में रहोगे, इंडिया में कहीं पर भी रहो, किसी भी जगह पर रहो, आपने एग्रीगेट रहना है और किसी भी पर्पस के लिए रहो और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रहो। अगर ये सारी बातें आप सेटिस्फाइड करोगे तो उस केस में रेजिडेंट बन जाओगे, नहीं तो आप रेजिडेंट नहीं माने जाओगे। ठीक है, अब मुझे इतना बोलना, अगर मैं दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाइड कर दूंगा तो रेजिडेंट बन जाऊंगा, और अगर ये दोनों ही कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में मैं 50 दिन रहा, तो भाई अगर 50 दिन रहा ना तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं है, उस केस में आप रेजिडेंट बन ही नहीं पाओगे। और अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए तो नॉन रेजिडेंट बनने के बाद क्या टैक्सेबिलिटी होगी, सेक्शन नंबर 5 के पास जाना पड़ेगा। रेजिडेंट बनने के बाद क्या टैक्सेबिलिटी होगी वो भी सेक्शन नंबर 5 के पास जाना पड़ेगा। और मेरी पूरी क्लास बहुत बढ़िया से जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि जब मैं बात इंडिया की करता हूं, जब भी बात मैं इंडिया की करता हूं तो इंडिया का मतलब क्या होता है? आपकी बेस लाइन 12 नोटिकल माइल्स, 200 नोटिकल माइल्स जो ऑलरेडी हमने जीएसटी में किया था। बट आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि इनकम टैक्स में इंडिया अलग होगा, जीएसटी में अलग होगा, फर्क पता क्या आएगा? वहां पर आपने पढ़ा था 28 स्टेट और आपकी 9 यूटी हो गई है ना, क्योंकि जेएनके लद्दाख अलग हो गया। अब यहां पे ध्यान ना, उसमें से 9 यूटी में से हम 3 यूटी को स्टेट मानते थे, कौन कौन सी? दिल्ली, पौंडेचेरी और जेएनके। वहां पर लगता था एसजीएसटी, बट इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इट मीन्स इनकम टैक्स में 9 यूटी ही रहेंगी, 28 स्टेट ही रहेंगी। तो 9 यूटी के दो बाइफर्केशन मत करना इनकम टैक्स में, चाहे जीएसटी में आपने की हो। बाकी पानी 12 नोटिकल माइल्स आएगा, 200 नोटिकल माइल्स भी आएगा। और मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वहां पर एक वर्ड इंडिया है। इट मीन्स अगर वो पानी में रहा होगा, अगर वो नोटिकल माइल्स में रहा होगा तो भी वो इंडिया में ही कवर होगा, उसके बेस पे आप स्टेटस निकालोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये पता ही नहीं होता, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में क्वेश्चन ये बना कि वो 6 नोटिकल माइल्स में रहा। अब बच्चा वहां पर क्या कह रहा है? ओहो पानी में रहा था, डूब गया होगा। अब पानी में रहा था, डूब गया होगा या बच गया होगा, वो क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं, भैया अगर वो यहां पर रहा है तो क्या वो इंडिया में रहा या नहीं रहा, आप हमें ये बताओ। क्योंकि अगर वो इंडिया में रहा है तो फिर कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी, अगर इंडिया में नहीं रहा तो उस केस में कंडीशन की बात ही नहीं होगी। तो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? एक पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल, दोबारा बोलो, पूरे वर्ल्ड में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट तब माना जाएगा अगर इन दोनों में से दी गई वो सिंगल एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर देगा। बर्थ की बात नहीं कर रहे, पैन कार्ड की बात नहीं कर रहे, आधार कार्ड की बात नहीं कर रहे, पासपोर्ट की बात नहीं कर रहे, पापा मम्मी की बात नहीं कर रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हें, मुझे अपने रेजिडेंट होने के लिए मुझे खुद अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। अगर मैं अपनी खुद कंडीशन इसमें से सेटिस्फाइड कर दूंगा तब रेजिडेंट बनूंगा। मेरे फादर मदर मेरे कहां के हैं, आधार पैन कार्ड कहां का है, वो सब बातें बेकार की है। बात समझ में आ चुकी है? पक्का पक्का। तो रेजिडेंट बनना किस पे डिपेंड करेगा? बेसिक कंडीशन कितनी है? दो। सेटिस्फाइड कितनी करनी है? एक। एक कौन सी? कोई भी एक कंडीशन, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, आओ जी अब एक बार यहां पे थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग डाल दो जी, मैं लिखवाऊंगा, लिखो रही हो।
लिखना स्टार्ट करो जी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल आपने हेडिंग डाल दी होगी। अब यहां पे लिखो एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस। ठीक है जी, एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो नीचे दी गई दो बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर देगा। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। अब यहां पर एक स्टार बनाओ जी, अब यहां पर एक स्टार बनाओ, इस स्टार को डिफाइन करो। इंडिविजुअल मींस इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन। इंडियन ओरिजिन और फॉरेन ओरिजिन। ठीक है जी, ये कंडीशन सबके ऊपर लगेगी जी। यहां लिख देता हूं अपना लायक को, मुझे पता है कंडीशन एप्लीकेबल फॉर ऑल। ये कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद एनी वन के ऊपर दो स्टार बनाओ और इस दो स्टार को डिफाइन करो। एनी वन का मतलब क्या? बीसी वन नलायक, डर्टी माइंड, बेसिक कंडीशन वन, बेसिक कंडीशन वन। आपको भाई साहब आपका माइंड इन सब चीजों में इतना तेज चलता है ना, बच्चा कह रहा है हमने ऐसा कहां सोचा। कोई बात नहीं, आपसे 3-4 महीने बड़ा हूं मैं, पता आपको, तो मुझे पता है कि आपने क्या उस टाइम जब मैंने बोला तो आपने क्या बोला। ठीक है ना, लिखो जी यहां पे सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, 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 और ये क्रॉस और ये क्रॉस। एनी वन का मतलब ये होता है कि इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, और इसमें क्या बन जाओगे? एन आर। ठीक है ना, तो आप यहां पे इसका ये भी कर सकते हैं, ये लो। ठीक है जी,
तो अभी तक क्या समझ में आ गया भाई? पहली बात तो एक कंडीशन सबके ऊपर लगनी है, और दूसरी बात एनी वन का मतलब क्या है, दोनों में से कोई सिंगल कंडीशन भी अगर आप सेटिस्फाइड कर दोगे आप इंडिया में क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे। अभी तक हमने ये क्लियर कर लिया, अब लिखो दो कंडीशन कौन कौन सी है, लिखो री। कंडीशन वन लिखो जी, कंडीशन नंबर वन क्या निकल के आ रही है, ही इज इन इंडिया, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल, अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर इन दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये पहली कंडीशन है जी, ये पहली कंडीशन है, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। सेकेंड कंडीशन में ना साथ में लिख लो, फिर इसको एनालाइज करेंगे, बीच में डाल दो और, एंड नहीं है और है, क्योंकि दोनों में से एक सेटिस्फाइड करनी है ना, तो बीच में और है। और सेकंड कंडीशन है ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड और फॉर ए पीरियड्स और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 60 डेज और मोर इन दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन फोर प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग टू दी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। लो जी, ये आपकी दो कंडीशन निकल के आ रही है, ठीक है जी। पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है कि रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा हो तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, और सेकंड कंडीशन अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं हो बट 60 डेज से उससे ज्यादा हो और उसके पिछले चार साल में 365 दिन या उससे ज्यादा हो तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट। और अगर दोनों में से सिंगल कंडीशन भी आप सेटिस्फाइड नहीं करते फिर आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। अब यहां पे ना एक लिखो यहां पे, अब जो ये इंडिया वर्ड है उसके ऊपर एक स्टार बनाओ, इन दोनों में एक स्टार बनाओ, फिर जो ये अमाउंटिंग इन ऑल वाला वर्ड है इस पे डबल स्टार बनाओ, यहां पे भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर पे तीन स्टार बनाओ, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर पे तीन स्टार बनाओ, ठीक है जी। अब इसको डिफाइन करो जी, यहां पे सबसे पहले जो स्टार है वो इंडिया का है,
येलो जी, ये आपका निकल के आ गया 12 नॉटिकल माइल्स। EEZ TWY और ये हमारा आ गया 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी, और ये तो हमारा इंडिया ही है, इंडिया 4 ऑल पर्पस, ये है ओनली 4 ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस। ठीक है जी, ये हमारा इंडिया है। उसके बाद अमाउंटिंग इन ऑल, जो हमारा सेकंड स्टार आपने बनाया है, अमाउंटिंग इन ऑल का मतलब क्या है? एग्रीगेट, एग्रीगेट इन कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट है, प्रीवियस ईयर का जो एग्रीगेट है, उसको हमें चेक करना है कि आप कितने दिन रहे हो। ठीक है, और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो आपने 3 स्टार बनाए हैं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जिस असेसमेंट ईयर का स्टेटस निकालना है उससे जो पिछला साल होगा वो हमारा क्या बन जाएगा? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको स्टेटस निकालना है उससे जो पिछला साल होगा ना, वो क्या बन जाएगा? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बन जाएगा। ठीक है जी, अब मुझे बताओ जी, अब क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? सर अब आपसे ना हमने बात करनी है, आप बीच में नहीं बोलोगे और हम आपको बताएंगे अब क्रक्स क्या निकल के आएगा। ओके बताओ जी, बताओ फटाफट से, अब आप खुद तो बता नहीं रहे, अब क्रक्स क्या निकल? ये देखो, ये नालायक बच्चा ऐसे लेट गया, नालायक उठ के चाय पी लो, मट्ठी खा लो, फैन खा लो, यहाँ सोने के लिए आए हो? आगे लेटा हुआ है नालायक लैपटॉप के ऊपर मुंह रख के, सोना नहीं है यहाँ पे? मैं क्या आपको लोरी सुना रहा हूँ क्या? जल्दी उठो फटाफट से, आंटी फटाफट इसको चाय पानी पिलाओ कुछ, ये तो सो जाएगा यहाँ पर ऐसे, और साथ वालों को भी सुलाएगा जो इतने सारे बच्चे इस टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं। मैंने कल से भाई साहब चिमटा लेके आ जाना और ढोलकी लेके आ जाना है, आधा पौना घंटा सत्संग करेंगे और आधा पौना घंटा पढ़ाई करेंगे, मंजूर है? ठीक है, इधर देखो ध्यान से नालायक को, फटाफट से बताओ अब क्रक्स का मतलब क्या निकल के आ रहा है? अब क्रक्स में क्या निकल के आया? क्रक्स में ये निकल के आ रहा है इंडिया में, इंडिया में कहीं पर भी रहो, इंडिया में कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, कैसे भी रहो, किसी भी पर्पज के लिए रहो, कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, किसी भी पर्पज के लिए रहो, अगर एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट डेज स्पेसिफाइड
डेज, स्पेसिफाइड डेज के इक्वल या एक्सेस हो जाएंगे तो आप रेजिडेंट बन जाओगे, ठीक है जी। तो सिंपल से बात क्या निकल कह रही है, क्रक से निकल कह रहा है कि आप इंडिया में कहीं पर भी रहो, कैसे भी रहो, किसी भी पर्पस के लिए रहो, अगर आप आपके एग्रीगेट दिन उस स्पेसिफाइड डे से ज्यादा हो जाएंगे ना, आप रेजिडेंट बन जाओगे, बात खत्म। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का। अब मुझे फटाफट से एक बार लास्ट टाइम बोलो, फिर मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दूंगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ में आया है। पहले तो मुझे बोलो, तब बताओ कि चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया, जल्दी दोहरी, चैप्टर हमने स्टार्ट कौन सा किया, सैलरी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, सैलरी का आज, और सैलरी का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होगा, सेक्शन नंबर 5, खत्म कहाँ पर होगा, 25 से लेकर 20 तक चलेगा या 5 से लेकर 9 तक चलेगा, 5 से लेकर 9 तक। सेक्शन नंबर 5 की हेडिंग क्या थी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन नंबर 6 की हेडिंग क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 की हेडिंग क्या थी, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 8 हमारे किसी काम का नहीं है। 9 की हेडिंग थी, इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। 5 हमें यहाँ पर करना है, 6 हमें यहाँ पर करना है, 9 हमें यहाँ पर करना है, 7 करेंगे सैलरी के बाद, 8 हमारे किसी काम का है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 6, वो ये बात बोलेगा कि आप इंडिया में रेजिडेंट कब बनोगे, एनआर कब बनोगे, वो सारी बातें हमारे पास आएंगी। बट इस सेक्शन को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 ये बात कहता है कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे, हर पर्सन का एक साथ कैलकुलेट कर लेना और सबको एक मान लेना, या हर पर्सन का सेपरेट निकालना पड़ेगा, सेपरेट निकालना पड़ेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करोगे, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट नहीं करोगे। तीसरा रूल ये बात कहता है कि आप एक साल में एक से ज्यादा कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो, इट मीन्स आप जितनी भी कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो, वो डिपेंड करता है आपने कंडीशन कहाँ कहाँ की सेटिस्फाइड की है। एंड लास्ट रूल नंबर 4 ये बात कहता है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया के रेजिडेंट ही बनोगे, ये जरूरी नहीं है। अगर आप फॉरेन सिटीजन हो, बाहर के रेजिडेंट ही बनोगे, ये कंपलसरी नहीं है। ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट को सेपरेट लेके आपको चलना है। ये सारी बातें हमने उस रूल में पढ़ी थी। फिर वो सारे रूल कंप्लीट करने के बाद ना हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 6, और वो ये बात बोलता है कि स्टेटस जब भी निकालोगे ना तो 3 कैटेगरी बनाना, या तो इंडिविजुअल की, या वो कंपनी की, या वो अदर पर्सन की। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इंडिविजुअल, वो ये बात बोलता है इंडिविजुअल एक रेजिडेंट मान लिया जाएगा अगर वो 2 बेसिक कंडीशन में से 4 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा। हाँ, 2 में से कितनी सेटिस्फाइड कर देगा, 1, 4 नहीं नालायक, 2 में से 1। एक कौन सी, पहली, दूसरी, या कोई भी, कोई भी। फर्स्ट सेटिस्फाइड, सेकंड नॉट सेटिस्फाइड रेजिडेंट, फर्स्ट नॉट सेटिस्फाइड, सेकंड सेटिस्फाइड रेजिडेंट, दोनों सेटिस्फाइड रेजिडेंट और दोनों नॉट सेटिस्फाइड नॉन रेजिडेंट, ये सारी बातें हमने वहां पर की। फिर पहली कंडीशन निकल कहते हैं कि प्रीवियस ईयर में, मतलब रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, अगर 182 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहे हो, एग्रीगेट रहे हो, कहीं पर भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, किसी भी पर्पज के लिए रहे हो, आप इंडिया में रेजिडेंट मान लीजिए। और अगर 182 डेज से कम रहे हो बट 60 डेज या उससे ज्यादा रहे हो, और पिछले 4 साल में 365 दिन है उससे ऊपर रहे हो, इंडिया में रहे हो, कहीं पर भी रहे हो, कैसे भी रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए रहे हो, तो आप रेजिडेंट मान लीजिए। अगर दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं करोगे ना, फिर कहीं जाकर आपको बोला जाएगा नॉन रेजिडेंट। और जो भी ये कंडीशन हमने पढ़ी है, ये सब इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, चाहे वो इंडियन ओरिजिन हो, फॉरेन ओरिजिन हो, वो कहीं के भी हो, अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर होगा ना, तो ये कंडीशन यहाँ पर आकर पड़ेगा। उसके बाद फिर एक बात मैंने और आपको बोली थी कि ये कंडीशन तो पड़ेगा, बट सेकंड पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था कि एक कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन, इट मीन्स अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट, और अगर दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं करोगे फिर आप क्या बनोगे, एनआर। ये सारी बातें हमने यहाँ पर की थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। आओ जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब जो आप समझ रहे हो ना कि आसान है, और जो बीच में आप झपकियां मार रहे हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस चैप्टर में दिक्कत आती है क्या। दिक्कत सर यहां पे समझने में नहीं आते, आपको लगेगा अच्छा बस डेज ही तो है। अब मैं आपको दिखाता हूं प्रॉब्लम क्या आती है। एग्जांपल लिखो जी, एग्जांपल लिखो, आंसर आप दोगे मैं दूं, जैसे आप बोलोगे, आंसर आप दोगे मैं दूं, आप दोगे आंसर, पक्का पक्का, ठीक है। लो जी, ऊपर पर लिख देता हूं, डिटरमाइन the residential status for assessment year 2021 in the following cases, in the following cases।
सबसे पहला प्रीवियस ईयर 1920 में 182 डेज रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नाइनटीन ट्वेंटी में हरियाणा में रहा 35 डेज, जेएनके में रहा 10 डेज, 8 नॉटिकल माइल्स में रहा 3 डेज, यूपी में रहा 15 डेज और इन फोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में रहा मैं 370 दिन। दूसरा क्वेश्चन ये है सर, हो सके तो गिरे गिरे क्वेश्चन मत दो, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन दे दो हमें, कोई बात नहीं अभी चल रहे हैं, अभी तो बेस बना रहा हूं ना, आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जहां बच्चा कहता है ना आपको मैं दिखा दूंगा, पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा आपका डाउट। पता है क्या होगा सर, रेजिडेंशियल स्टेटस में गलती हो रही है, रीजन बीइंग क्या है, आप डेज कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। आपको दिखाता हूं कैसे, इन दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। चलो, प्रीवियस ईयर 1920 में वो रहा 120 दिन, 1819 लो जी। थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये आपने सारे नोट डाउन करने हैं जी, ये सारे नोट डाउन करने हैं, इसकी फोटो क्लिक मत कर लेना और ऐसे कोई रफ काम पे करते रहो। मैं दोबारा बोलूंगा, YouTube वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है और रेगुलर वाले बच्चों से खास तौर पे है, जब आप रिवीजन करोगे ये बहुत काम आएंगे। आपको भी लग रहा होगा आप सिर्फ कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करोगे, सर प्लीज दोबारा बोल रहा हूँ, नोटिंग सबने करनी है जी, साथ साथ नोटिंग करते रहो। ये लो फोटो क्लिक कर लो, पहले इसकी इसकी नोटिंग करो, इसकी इसके और इसकी थर्ड की। अब आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर एक्स फॉरेन सिटीजन विजिट इन इंडिया फोर 100 डेज एवरी ईयर, आपको बताना इसका स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीवियस ईयर 1920 में आप रहे 60 दिन 1819, 1718, 1516, 120 डेज 80 डेज 20 डेज 100 डेज 6, प्रीवियस ईयर 1920 में रहे 190 डेज इन फोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में रहे आप 350 दिन। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं जी, सिर्फ मैंने पैराग्राफ फॉर्म में नहीं क्वेश्चन बनाए, उसको अलग अलग करके आपको यहाँ पर फ्रेम करके दिखा दिया कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे ना इस तरह के बनते हैं, आप ये भी गलत करके आओगे, आपको मैं दिखाऊंगा गलती आप कैसे करते हो। जिन बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, लो जो मैंने इतना बढ़िया तरीके से लिखवाया, अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ा आपने पक्का ही गलती करनी है। प्रीवियस ईयर 1920 में दिल्ली में रहे 80 डेज फॉर बिजनेस पर्पस, बॉम्बे 100 दिन के लिए गए फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब घूमने फिरने के लिए गया, और 1819 में
200 दिन, 1718 में 180 दिन। इसमें रहे नहीं आप, इसमें रहे नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एक्स है, फॉरेन सिटीजन है, फर्स्ट टाइम विजिट इन इंडिया, पहली बार वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं। इन प्रीवियस ईयर 1920, विजिट लेफ्ट, उसने विजिट की इंडिया में 18 जुलाई 2019 को, फिर छोड़ के चला गया 25 अगस्त 19, फिर उसने विजिट की 11 सितंबर 19 को, फिर छोड़ के चला गया 20 दिसंबर 19 को, फिर वापस आया 5 जनवरी 20 को, फिर छोड़ के चला गया 12 फेब 20 को, फिर वापस आया 25 मार्च 20 को, फिर छोड़ के चला गया 8 अप्रैल 20 को। ठीक है, आपको बताना इसका स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चा कह रहा है बस भी करो, आप तो ऐसे कह रहे से पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन दोगे आप। सर टोटल 10 क्वेश्चन दूंगा और 10 के 10 सही मैं दिखा दूंगा कितने बच्चे क्लास में करेंगे। अभी आपको लग रहा है ना चैप्टर आसान था, आपके अगर 10 के 10 बच्चे ने सही कर दिया ना, स्पेशल गिफ्ट भेजूंगा यहां से, कोरियर करूंगा आपको पक्का, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोरियर करूंगा पक्का आपको, देखना। ठीक है, चाहे वो कोरियर कंपनी अभी नहीं चल रही हो, मैं खुद पैदल आपका गिफ्ट देने आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैदल गिफ्ट देने आऊंगा अगर आपने 10 के 10 सही कर दी। बता देना बस, आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आप कहां से हो, मैं पैदल गिफ्ट देने आऊंगा। ठीक है सर, मिस्टर एक्स हैं, इंडियन सिटीजन है, फर्स्ट टाइम लेफ्ट इंडिया, इन प्रीवियस ईयर 1920, पहली बार वो इंडिया छोड़ रहे जी, पहली बार जिंदगी में, कब छोड़ रहा है भी देखते हैं, लेफ्ट इंडिया, फिर वापिस आ रहा है इंडिया में। ठीक है जी, उसने इंडिया छोड़ा है जी 10 जून 2019, वापिस आया 18 नवंबर 19, फिर छोड़ा 25 दिसंबर 19 को, फिर वापिस आया 28 जनवरी 20 को, फिर छोड़ दिया 18 फेब 20 को, फिर वापिस आया है वो 8 मार्च 20 को, फिर उसने छोड़ दिया 28 मार्च 20 को, और वापस फिर आया 15 अप्रैल 20 को। ठीक है, आपको बताना है क्या है इसका स्टेटस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर एक्स है इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया इन प्रीवियस ईयर 1920, इंडिया छोड़ के जा रहा है जी वो, लेफ्ट विजिट 15 मई 19 को इंडिया छोड़ के जा रहा है, और वापस कब आ रहा है 25 दिसंबर 19 को, उसके बाद फिर इंडिया छोड़ के जा रहा है 1 जनवरी 20 को, फिर वापस आ रहा है वो
मान लो 25 मार्च 20 को, फिर छोड़ के जा रहा है 31 मार्च 20 को, फिर वापस आ रहा है 15 अप्रैल 20 को। इन फोर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो 380 डेज इंडिया में रहा है। आपको बताना है स्टेटस। लेट्स प्ले, खेले खेले करो नहीं, खेलना स्टार्ट करो। हर बच्चा अपना अपना खेलेगा, कोई किसी की टीचिंग नहीं करेगा। अब मुझे पता लग जाएगा कि आपने वो कंडीशन कितने ध्यान से लिखी है, किन बच्चों ने नोटिंग नहीं की, किन्होंने नोटिंग की है, जो सिंसियर पढ़ रहे हैं और जो फिजूल का बस आके बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब मुझे सभी बच्चे सामने एक क्लियर पिक्चर में दिख जाएंगे। जो जो बच्चे पढ़ाई का मजाक उड़ाते हैं ना कि चल कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, अब पता लगेगा वो करते क्या है। ये 10 क्वेश्चन आपके सामने है जी। अब इन 10 के 10 का मुझे प्लीज, आपको मैं टोटल दे रहा हूं मिला के 5 मिनट दे रहा हूं जी। 5 मिनट आपके पास हैं, 10 क्वेश्चन हैं, तो हर एक मिनट में 2 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। हर एक मिनट मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका सोल्व होना चाहिए, क्योंकि पेपर एमसीक्यूज है, हमें अच्छे से क्वेश्चन भी करने हैं, कैलकुलेटर पे करने हैं। चाहे प्रेजेंटेशन मत दो, बट मुझे आंसर सही निकाल के दे दो कि इसका स्टेटस क्या निकल के आएगा। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा से ये पहले फोटो क्लिक कर लो, जिन जिन बच्चों ने नहीं लिखी अभी। ये हो गई फोटो क्लिक, यहां पोज कर लेना, उसके बाद फिर यहां से यहां तक, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन, ये लो जी। अब मैं भी अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं, आप भी अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, और अब देखते हैं जी किन किन बच्चों में मुकाबला सही हो जाता है। आओ जी, बच्चा कह रहा है आप हमारे सामने ही रहो, हमें ना पैसे अजीब सा लगता है, आप यहाँ पे गायब हो जाते हो ना, हमें लगता है पता नहीं सर कहाँ चले गए। हो गया, हो गया जी, स्टार्ट करें करना। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। बच्चा कह रहा अभी टाइम कहाँ हुआ है, 1 मिनट और रह गया बस, मेरी घड़ी में तो 1 मिनट और रह गया। अब जिनके 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे उन्हें मेरी तरफ से मिलना है स्पेशल बम्पर प्राइज। और मैं क्या दूंगा, अभी कोरियर वाले चल नहीं रहे, बट मैं आपके घर देने आऊंगा, तो सबने सबने बता देना है किन किन के सही हैं, और मैं वहां वहां पे फिर सबको गिफ्ट देने आऊंगा। ठीक है जी, पक्का आप मुझे बताना, बट पहले किन किन के सही हैं, झूठ मत बोलना, कसम लगेगा देख लो, फिर पाप लगेगा, नवरात्र चल रहे हैं वैसे ही आज।
चलो जी, हो गया जी। यस, अब हो गया जी, पूरे 5 मिनट हो गए। अब फटाफट से बताओ जी, इनके आंसर बताओ फटाफट से, क्या क्या आंसर निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले का बताओ, पहले केस में क्या निकल के आएगा जी? हनी, पहले केस में क्या निकल के आ रहा है? रेजिडेंट बनेगा, नॉन रेजिडेंट बनेगा? यहाँ तो सिंपल सी बात है भैया, रेजिडेंट बनेगा। रेजिडेंट क्यों बनेगा? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड की है, सेकंड की है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड किया, पहली कंडीशन में क्या था? प्रीवियस ईयर में 182 डेज है उससे ज्यादा, तो अगर एग्जैक्ट 182 डेज भी होगा तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन किन किन का सही है? पहला क्वेश्चन किन किन का सही है? ओ माई गॉड, नजर लग जाए आपको, इधर देखो ध्यान से, नाले को। पहला सही, सबका सही है जी, ऑलमोस्ट 100% बच्चे, पूरी की पूरी फैमिली सही करके बैठे है पहले क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलो अब सेकंड पे आओ, सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, किन किन बच्चों का सेकंड क्वेश्चन में आंसर है रेजिडेंट, किन किन का आंसर है रेजिडेंट, रेजिडेंट वाले, रेजिडेंट वाले सबका रेजिडेंट है। और एनआर वाले, कोई बच्चा एनआर वाला हो? एनआर वाला एक बच्चा बस आगे बैठा है, एनआर वाला। आपका एनआर कैसे आया है? क्या कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है? कौन सी पहले? हाँ पहले तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, उसके बाद सेकंड कंडीशन भी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्यों नहीं है नालायक? कितने दिन निकल के आ रहे हैं आपके? 53। 53 कहां से आ रहे हैं? 35, 10 और 3 और 15। जेएन के कवर नहीं, जेएन के क्यों कवर नहीं करेंगे? आपको मैंने पहले भी कहा था, पूरे इनकम टैक्स पूरे इंडिया पर है, इंक्लूडिंग जेएन के। और तो वैसे ही आर्टिकल 370 खत्म हो चुके हैं नलायक। एक बात मैंने सोच के बोलो, सर ये बच्चा कह रहा है कि जेएन के पर, जेएन के, यार सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कई कई बच्चों को देखो अभी भी मन में डाउट आ रहा है बिना बात का। तो जेएन के पर कंप्लीट लो एप्लीकेबल होगा सर। यहाँ पर टोटल पता है कितने दिन बन रहे हैं? ये बन रहे हैं 63 डेज। तो 60 और मोर तो बन गया, मैंने कहा था ना एग्रीगेट लेंगे, इंडिया में कहीं पर भी रहे हो तो 63 डेज तो ये हो गया। 8 नॉटिकल माइल्स में हमारा इंडिया है, तो इंडिया में कवर करेंगे। तो 63 और 365 है उसके ऊपर, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। किन किन बच्चों का ये सही था? ऑलमोस्ट पूरी फैमिली का सही है, बस एक नालायक बच्चा था जिसने आंसर गलत दिया था। अब आओ तीसरे पे, कोई दिक्कत नहीं, तीसरे पे आओ जी। तीसरे बोलो जी, जो ये कह रहे हैं तीसरे का आंसर है रेजिडेंट, रेजिडेंट वाले, रेजिडेंट वाले। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे हैं रेजिडेंट वाले। अरे जो ये कह रहे हैं एनआर, एनआर वाले, बहुत कम बच्चे हैं एनआर वाले। चलो पहले रेजिडेंट की बात करते हैं, रेजिडेंट वाले जो ये कह रहे हैं रेजिडेंट। हाँ जी, आप आंसर बताओ, रेजिडेंट आपने कैसे निकाला है? ये जो सामने गर्ल बैठी है, हाँ जी आप बताइए, रेजिडेंट कैसे निकाला आपने? फटाफट से बताओ जी। यस, आपकी ही बात कर रहा हूँ। हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आप पीछे मत देखो, आपकी ही बात कर रहा हूँ नालायक, आपकी बात कर रहा हूँ। यस बताओ, रेजिडेंट कैसे आया? सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन कैसे है? ये तो पहले तो चेक करते हैं, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि 182 से कम है। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? 60 और मोर, यस वो तो है। पिछले 4 साल में 365 भी हैं, 380 दिन बन रहे, इसलिए आपने बोल दिया रेजिडेंट। चलो जी, अरे जो ये कह रहे हैं एनआर, जो ये कह रहे हैं एनआर, यस आइए, जो बच्चा सामने बैठा है आप बताओ, नॉन रेजिडेंट आपने कैसे निकाला है? नॉन रेजिडेंट सर हमने ऐसे निकाला क्योंकि आपने बीच में ना हमें 1 साल नहीं दिया, 16 17, तो पिछले 4 साल तो हमारे यहां पर खत्म हो गए, 300 दिन बने। ओ माय गॉड, अब जिनका आंसर रेजिडेंट निकल के आ रहा था ना, उन्होंने माथे पे हाथ रख लिया, कह रहे यार बहन तूने देखा था क्या? मैंने तो देखा नहीं था, मैंने तो बस 4 साल देखे फटाफट से, और 4 साल देखे 380 हो गया, आंसर रेजिडेंट लिख के आ गए। यही गलती करते हो आप एग्जाम में, यही गलती करते हो। एग्जामिनर यही गेम खेलता है, एग्जामिनर प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहां पर है। अब देखो जिन बच्चों ने बोला एनआर, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ा कि बीच में 1 साल नहीं है, और अगर 1 साल ना होने का मतलब क्या है? उस साल वो रहा ही नहीं है। और जब यही सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया ना, जब यही सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुके आपके, और जब यही सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया तो बच्चे देखो क्या कलाकारी करके आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया, पहली बात तो बच्चों को पता ही नहीं लगा बीच में 1 साल गायब है, क्योंकि बच्चों के हाथ में कैलकुलेटर था, बच्चों ने पिछले 4 साल निकाले, 380 बना, कंडीशन सेटिस्फाइड, देखी रेजिडेंट बन गया, गोला भरा रेजिडेंट का, दिल में खुशी का ठिकाना ही नहीं है, बाहर मैकडी के बर्गर चल रहे हैं, एक क्वेश्चन सही हो गया। और जिन बच्चों को पता लग गया, जिन बच्चों को पता लग गया कि बीच में 16 17 नहीं है, उनकी कलाकारी देखो, कहते ओहो एग्जामिनर से गलती हो गई, 17 18 के बाद ना 16 17 आना था, तो कोई बात नहीं मैं सही कर देता हूं, यहां कर देता हूं 16 17, यहां कर देता हूं 15 16, अपने आप क्वेश्चन सही करके आ गए। और बाहर आके पता क्या बोल रहे दोस्तों को, तुझे पता है एक क्वेश्चन गलत आया था, मैंने सही कर दिया।
दूसरे वाला भी वही कलाकार है, कहता हाँ वही रेजिडेंशियल स्टेटस वाला ना, हाँ, बीच में एक साल दिया नहीं था, वो गलती हो गई थी उससे, तो मैंने अपने आप कर दिया। दोनों ने हाई फाई किया, हाई फाई, चल आजा मैकडी का बर्गर खाते हैं, हमारा क्वेश्चन सही है, देख हमने एग्जामिनर की गलती पकड़ ली। एग्जामिनर कह रहे हैं नालायक हो तुम दोनों, अगली बार दोबारा से इकट्ठे यहाँ पे आओगे, क्योंकि ये गलती तुमने पकड़ी नहीं है, गलती मैंने खुद की थी, मैं यही देखना चाह रहा था तुम पढ़ोगे कैसे। और जिन बच्चों ने बहुत सही तरह से पढ़ा, उन्होंने क्या सोचा कि जिस साल वो रहा है उस साल तो वो दिया है ना, और जिस साल उसने दिया ही नहीं, इटमीन्स उस साल रहा नहीं होगा, तो भैया पिछले 4 साल यहां पर खत्म हो रहा है, पिछले 4 साल उसने कोई भी नहीं कहा, उसने बोला इमीडिएटली पिछले 4 साल, तो अगर पिछले 4 साल निकालूंगा तो यहां पर 300 दिन बनेंगे, 365 से कम बनेंगे, तो ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, इस तरह से इसका आंसर होगा। तो जिनका रेजिडेंट है उनका गिफ्ट तो गया, जिनका नॉन रेजिडेंट है वो एक बार हैंडल्स करो, अभी तक आपके तीनों क्वेश्चन सही है, चलो आपका गिफ्ट अभी तक भी है, ठीक है। खुशमत होना, अभी अभी 7 क्वेश्चन और भी हैं, अभी आपको दिखाऊंगा आप गलती क्या क्या करोगे। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें आंसर क्या बनेगा, आंसर साथ लिख लेना, आंसर क्या बनेगा एनआर, क्योंकि ना तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है और ना ही सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी उस केस में रेजिडेंट की कैटेगरी तो यहां पर आएगी। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का, यस। अगला एक बार आप चेक करो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मिस्टर एक्स है एक फॉरेन सिटीजन है, वो इंडिया में विजिट कर रहे हैं, हर साल 100 दिन के लिए, स्टेटस निकाल दो, जल्दी निकालो स्टेटस, जो ये कह रहे हैं ये बनेगा रेजिडेंट, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे हैं, और जो ये कह रहे हैं बनेगा नॉन रेजिडेंट, काफी कम बच्चे हैं, ये जो बच्चे बिना हैंड रेस्ट के बैठे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया, आपकी बात कर रहा हूं, आपने ना तो रेजिडेंट बोला ना नॉन रेजिडेंट बोला, आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, इसके अंदर आंसर क्या निकल के आएगा, क्या इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी मतलब, सर पिछले 4 साल नहीं बताया ना उसने, पिछले 4 साल में कितने रन नालायक को, उसने साफ साफ बोला है एक फॉरेन सिटीजन है, हर साल वो 100 दिन के लिए आ रहा है, तो अगर वो हर साल 100 दिन के लिए आएगा तो पिछले 4 साल में कितने हो गए, 400 हो गए ना, ओहो सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मतलब हमारा भी फिर हमारा रेजिडेंट आएगा सर, तो आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे फिर, जो वो साफ साफ कह रहे हैं कि हर साल वो 100 दिन के लिए आ रहा है, तो अगर हर साल वो 100 दिन के लिए आएगा तो 60 और मोर है, पिछले 4 साल में 400 है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। किन किन बच्चों का भी आंसर सही था, किन किन बच्चों का सही था जिन्होंने आंसर रेजिडेंट दिया था, बहुत बढ़िया बात है जी, रेजिडेंट वाले अभी यहाँ पर सारे सही है, एनआर वाले गलत है, और जिन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है वो तो बिल्कुल ही नालायक है, उन केस में सर यहाँ पर साफ साफ लिखा है हर साल वो आ रहा है, तो हर साल वो क्या, अब क्या बोलेगा वो, आपको गोला भर के देगा, इसका आंसर ये है, जब वो साफ साफ लिख रहा है कि एवरी ईयर, तो एवरी ईयर मीन्स क्या होता है, हर साल, ठीक है जी। आगे बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 इसका बताओ जी, हम क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जी, इस केस में क्या होगा, रेजिडेंट बनेगा नॉन रेजिडेंट बनेगा, इसमें रेजिडेंट बनेगा, जो ये कह रहे हैं रेजिडेंट बनेगा, रेजिडेंट, मेरा आंसर रेजिडेंट है जी, मेरा आंसर रेजिडेंट है, बताओ रेजिडेंट वाले, कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ छोड़ जाओ कैसे, चलो जी। और जो ये कह रहे हैं एनआर वाले, एनआर वाले, एनआर वाले, वेरी वेरी गुड, सबका सही है, एनआर क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, सेकंड कंडीशन भी नहीं है, क्योंकि 60 डेज और मोर है, बट पिछले 4 साल में मेरे ख्याल से 365 नहीं है, 320 दिन निकल के आ रहा होगा, 320 दिन निकल के आएगा, 365 से कम है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ओ माय गॉड सर, मजा आ रहा है गेम खेलने का, अब हमें ना सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। अगला बताओ सर आंसर, चलो अगले का बताओ जी, प्रीवियस है 1920 में 190 डेज है, पिछले 4 साल में 350 दिन है, लो जी मेरा आंसर तो एनआर है, क्योंकि पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है, जो कह रहे हैं एनआर, एनआर वाले, एनआर वाले, एनआर वाले जी, कोई भी नहीं है नलायको, पिछले 4 साल में 365 दिन से कम है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है बट पिछले 4 साल में 365 से कम है, सर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है बट मैं कह रहा हूं पिछले 4 साल में सिर्फ 350 दिन है, एक बच्चा कह रहा है अब हम बहुत गुस्सा करके आपको मार देंगे, जब पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड है हम सेकंड पे क्यों जाएं, यस, अगर आपने पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड कर दी है तो आप सेकंड पे क्यों जाओगे, तो भैया इस केस में पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, आप रेजिडेंट बन चुके हो, सेकंड कंडीशन की बात ही नहीं है, पिछले 4 साल में कितने दिन है वो हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है जी। कई बच्चों के अभी तक सारे सही है, कह रहे हो माय गॉड सर हमारे घर आएंगे गिफ्ट लेके, हे भगवान हमारे 4 आंसर अगले वाले भी सही हो जाए, इधर देखो ध्यान से भी देखता हूँ अगले में आओ जी, जो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो ये कह रहे हैं कि ये रेजिडेंट बनेगा, रेजिडेंट, रेजिडेंट वाले कई बच्चे हैं, और जो ये कह रहे हैं एनआर बनेगा, एनआर, एनआर वाले, चलो पहले बात करते हैं एनआर वालों से,
हाँ जी, आप बताओ जी, जो ये बच्चा, ये गुड़िया सामने बैठी है, मोहतरमा सामने बैठी है, आप बताइए जी। हाँ जी, ये नॉन रेजिडेंट क्यों बनेगा? आपने आंसर दिया ना एनआर, आपको क्या लगा था कि मेरे को दिख नहीं रहा? आपको मैंने पहले भी कहा था, जितना आपको नहीं जानते उतना मैं आपको जानता हूँ, पता आपको इतनी बात? ओह माय गॉड, यस। इधर देखो ध्यान से, फटाफट से आंसर दो, एनआर आपने क्यों दिया? एनआर क्यों दिया आपने? क्योंकि सर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, सेकंड कंडीशन, सेकंड में सेटिस्फाइड नहीं है, कैसे? पिछले साल में 60 और मोर है, ठीक है, उससे पिछले 4 साल में आपने 365 बोला है, ये तो 2 ही साल में 365 हो गया, तो इन दोनों सालों में नहीं है, इसलिए एनआर बन गया। मतलब कई नालायक बच्चे ये सोच रहे हैं कि पिछले 4 साल में 365 अगर होगा तब बनेगा रेजिडेंट, तो पिछले 4 साल में होना जरूरी है। मैंने ऐसा कब बोला? सर पिछले 4 साल का सम टोटल 365 होना चाहिए, चाहे वो एक ही साल का क्यों ना हो जाए। मतलब यार अगर आप ऐसे ऐसे लो पढ़ोगे ना, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपको। मैंने कल भी कहा था सर, मैं तो वीडियो क्लास में बहुत धीरे चल रहा हूँ, जबकि आप मेरे सामने नहीं हो। अगर मेरा टाइम इतना बच जाएगा ना मेरे, कम से कम नाना करते हुए ना, आप सब जानते हो, नाना करते हुए कम से कम मेरे 8-10 लेक्चर कम हो सकते हैं। जो मेरे नोटिंग में लेक्चर बच रहे हैं वो सारा सारा मेरे आधा पौना पौना घंटा बच जाएगा। तो जो आपकी 2 घंटे क्लास आ रही है ना, 2 घंटे मत सोचना, ये 2.5-3 घंटे क्लास है, क्योंकि नोटिंग में काफी टाइम लगता है। और अगर आप इतना स्लो चलोगे, मैं तो पहले ही स्लो चलूंगा, अगर आप ये इंटरप्रिटेशन लेके चलोगे फिर तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। पिछले 4 साल का मतलब क्या है? पिछले 4 साल का सम टोटल, ऐसा नहीं कि 4 साल में होना जरूरी है। अच्छा अगर मैं फिर यहां पर 365 लिख देता और यहां पर लिखता ही ना, फिर तो आप बोल देते एनआर है, फिर भी आप एनआर बोलते। सर अगर 365 एक ही साल में हो गया तो इन सालों में हो या ना हो फर्क क्या पड़ेगा, 365 होना चाहिए ना बस। ओहो सॉरी सर, हमें लगा पिछले 4 साल में होना चाहिए, पिछले 4 साल नहीं, पिछले 4 साल का एग्रीगेट। तो एग्रीगेट तो भैया 380 बन रहे हैं ना, तो अगर एग्रीगेट 380 बन रहे हैं, यहाँ पर 180 है, तो चाहे बिजनेस हो चाहे पर्सनल, हम तो एग्रीगेट करते हैं, तो यहाँ पर 60 और मोर हो गया, और यहाँ पर 365 या उससे ज्यादा हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है सेकंड वाली, तो ये क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। तो जिन जिन बच्चों ने अब रेजिडेंट आंसर दिया था, रेजिडेंट वाले हैंडल्स करो, और किन किन बच्चों के झूठ मत बोला, नवरात्र चल रहे हैं, माता रानी पाप लगाएगी, काली माता आएगी आपको गले में, फिर वो देखना सांप जैसे घुमा के जाती है ना, वो जैसे बचपन के अंदर बोलते थे, फिर वो करके जाएगी। जो ये कह रहे हैं हमारे सारे आंसर अभी तक सही है, सारे के सारे। बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी गुड। अभी देखते हैं, बट अभी 3 क्वेश्चन और भी हैं, अब गेम खेलने का मजा आएगा। अब बताओ रही क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं गारंटी दे रहा हूं, जितने बच्चों के अभी तक सही थे ना, अब वो सारे अपना गिफ्ट लूज कर देंगे। बच्चा कह रहा है सर हम गिफ्ट लेके जाएंगे, बट पहले हमें बस ये बता दो, एक डाउट हमारा सोल्व कर दो, बाकी चाहे करो मत करो, बस ये डाउट सोल्व कर दो कि जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के वापिस जा रहा है, तो ये दोनों दिन हम कहां मानेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, अभी तक मैंने आपको बताया भी नहीं था, तो मैं इतनी रेमेडी आपको दे रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाते हैं और जिस दिन वो वापिस आते हैं ना, ये दोनों दिन ही इंडिया में काउंट होते हैं। मतलब जिस दिन वो इंडिया के अंदर वापिस आ रहा है, ये 18 तारीख भी इंडिया में काउंट होगी, और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं ना, ये 25 तारीख भी इंडिया में ही काउंट होगी। तो आने और जाने के दोनों दिन ही आपने इंडिया में काउंट करने हैं, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। अब बताओ ये बताओ, ये पर्सन इंडिया में क्या बनेगा, रेजिडेंट बनेगा और नॉन रेजिडेंट, आपको एक तो ये बताना है, और कितने दिन आपने निकाले वो भी आपको बताना है। और ध्यान रखना, अगर स्टेटस और दिन ये दोनों सही होंगे ना, अगर स्टेटस और दिन ये दोनों सही होंगे फिर गिफ्ट मिलेगा। स्टेटस सही होने से नहीं, आपको दिन भी बताने, आपको दिखाऊंगा, लाइनें लग जाएंगी, अभी लाइनें, इतनी सारी लाइनें लग जाएंगी आपके दिनों की, मुझे पता है, और हर बच्चे ने अलग अलग निकाले, इतना भी मुझे पता है, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ फेस टू फेस क्लास, जितने बच्चे क्लास में 300-400 बैठे होते हैं ना, सबके आंसर ऑलमोस्ट सबके अलग अलग आते हैं, पता नहीं कैसे निकालते दिन। और मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है, अगर दिन सही निकाले तो काम बन गया, अगर दिन ही गलत निकाला तो बताओ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्योंकि दिन निकालने हमें सीखने पड़ेंगे, कैसे वो भी देख लेंगे। पहले बताओ ये पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, यानी रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, जो लोग कह रहे हैं एनआर है, एनआर ऑलमोस्ट मेजोरिटी है, और जो ये कह रहे हैं रेजिडेंट है, रेजिडेंट, रेजिडेंट वाले हैंडल करो, रेजिडेंट वाले, कई बच्चे यहां पर भी है, चलो आओ इसको मैं करवाता हूं। एक बार मुझे इतना बताना, पहले तो फॉरेन सिटीजन है, पहली बार इंडिया में आ रहा है, तो अगर पहली बार इंडिया के अंदर आ रहा है तो पहली बार तो पिछले 4 साल में वो 365 दिन तो नहीं होगा, तो इट मींस अगर सिर्फ 182 दिन सेटिस्फाइड होंगे, 182 डेज अगर होंगे तो वो रेजिडेंट बनेगा।
क्योंकि सर अब उसने बोल दिया कि पहली पहली बार वो इंडिया में आ रहा है, तो इससे पहले वो कभी इंडिया में आया ही नहीं है। तो अगर इससे पहले कभी वो इंडिया में आया ही नहीं है तो पिछले 4 साल में 365 भी नहीं होंगे, और अगर पिछले 4 साल में 365 नहीं होंगे तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, उस केस में वो नॉन रेजिडेंट बनेगा जब तक वो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब हमें ये देखना है बस पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। आओ जी एक बार देखो फटाफट से, 18 जुलाई को उसने विजिट किया, तो अगर 18 जुलाई को उसने विजिट किया तो 18 जुलाई तक तो वो बाहर था, तो 18 जुलाई से लेकर ना 25 अगस्त तक वो इंडिया में रहा होगा। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि 18 जुलाई को वो इंडिया में आया तो उससे पहले वो बाहर था ना, तो 18 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक वो इंडिया में रहा होगा। तो 18 जुलाई तो 18 19 20 तीन दिन तो ये हो गए, और फिर 11 दिन वो हो गए, तो 11 और 3 14 दिन जो हो गए वो जुलाई में रहा, अगस्त में फिर 25 दिन रहा वो। 14 जुलाई में कैसे समझ में आ गया ना, 18 से लेकर 31 जुलाई तक 14 डेज बनेंगे, क्योंकि जिस दिन आया वो भी दिन इंडिया में काउंट करना है, ठीक है ना। अब ये आप खुद निकाल सकते हो, जुलाई के अंदर 14, अगस्त के अंदर 25, फिर बाहर चला गया, फिर वापस आया 11 सितंबर को, तो 11 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर तक वो इंडिया में ही था, क्योंकि 11 को वो आया और 20 दिसंबर को वो गया, तो 20 दिसंबर तक वो इंडिया में ही था। तो 11 सितंबर से 20 दिसंबर वो इंडिया में था, तो 11 सितंबर, सितंबर में दिन होते हैं हमारे 30, तो अगर सितंबर में 30 होते हैं तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये तो हो गए हमारे 10, 10 और अगले 10, तो 20 दिन हमारे हो गए जी सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 20। लो जी इतने दिन वो इंडिया में रहा। फिर 5 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक वो इंडिया में रहा, क्योंकि 12 फरवरी को वो बाहर चला गया, तो 5 जनवरी, जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 5 6 7 8 9 10 6 दिन ये हो गए, और 21 दिन और हैं, तो 21 और 6 27 दिन जनवरी में वो रहा। फरवरी में रहा वो 12 दिन, और फिर 25 मार्च को वो आया, तो 25 मार्च से लेकर 31 मार्च, क्योंकि साल वहां पर खत्म हो गया ना, तो 25 26 27 28 29 30 31, तो 7 दिन हमारे ये हो गए। अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसे कैसे वो रहा, 14 प्लस में 25 प्लस में 20 प्लस में 31 प्लस में 30 प्लस में 20 प्लस में 27 प्लस में 12 प्लस में 7, 186 ना लायक, रेजिडेंट बन रहा है, रेजिडेंट बन रहा है, आपने एनआर कैसे बना दिया। बच्चा कह रहा हमने तो रेजिडेंट ही कहा था, एक बार दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो जी, इधर देखो ध्यान से, कई बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान से मेरी वीडियो को दोबारा पीछे करके सुन लेना। ये क्लास मेरा YouTube पे डालने का रीजन सिर्फ एक था कि मुझे ये टॉपिक करवाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बहुत बड़ी है, तो ये टॉपिक मुझे करवाना था, इसलिए मैं YouTube पे डाल रहा हूँ ताकि पीछे करके आप दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है। पहला मैंने ये बोला है कि जिस दिन वो इंडिया से जाएगा, जिस दिन वापिस आएगा, ये दोनों दिन ही इंडिया में काउंट होते हैं। अब देखो सबसे पहले देखो जी, वो इंडिया के अंदर पहली बार आ रहा है, तो इससे पहले वो इंडिया में नहीं था, तो 365 दिन तो होगा नहीं, तो कंडीशन टू तो आप छोड़ ही दो, कंडीशन टू छोड़ दो, कंडीशन वन 182 डेज अगर होंगे तब वो रेजिडेंट बनेगा बस। अब कंडीशन वन सेटिस्फाइड है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो उसने बोला वो इंडिया में ना 18 जुलाई को आया, अब एक बार सोच के बोला, बाहर का रहने वाला इंडिया में 18 जुलाई को आया, तो 18 जुलाई को अगर आया फिर 25 अगस्त को वो गया, तो 18 जुलाई और 25 अगस्त इट मींस इसके बीच में वो इंडिया में था, तो 18 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक वो इंडिया में था, तो जुलाई में कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए, फिर अगस्त में 25 दिन हो गए, फिर 11 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर तक वो इंडिया में था, तो सितंबर में दिन हो गए 20, क्योंकि ये दिन भी काउंट होगा, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 20, फिर 5 जनवरी से 12 फरवरी, तो 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 27 दिन जनवरी में, फरवरी के अंदर 12 दिन, और फिर मार्च में 25 मार्च से लेकर 31 मार्च 7 दिन हो गए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं दोबारा से, 14 25 20 31 30 20 27 12 और 7, ये टोटल हमारे हो गए 186। तो भैया 182 डे से ज्यादा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुका है, तो मिस्टर एक्स जो है वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अब मुझे बताओ किन का सही था, किन किन का सही था सर, बहुत कम बच्चे, मुझे पता है सर बहुत कम बच्चे, मैंने मेरे को पहले ही पता था कि आप 8वां 9वां 10वें क्वेश्चन में गलती करोगे, ठीक है नहीं?
अब जिन बच्चों ने रेजिडेंट भी निकाला है ना, रेजिडेंट भी निकाला है, उनके दिन आगे पीछे होंगे मुझे पता है, बट अगर एग्जैक्ट आपके इतने दिन आ रहे हैं तो बहुत बड़ी आपने अचीवमेंट ले ली है, क्योंकि बच्चा यही गलती करता है, उन बच्चों में नहीं आए। और जिन बच्चों ने गलती की है उनसे रिक्वेस्ट है, दोबारा से अगर समर में आके अच्छी बात है, नहीं तो पीछे करके, पता है इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप एक ऐसे डायग्राम बनाओ, और डायग्राम में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लिखो, और फिर चेक करो वो कब आया कब गया, कब आया कब गया, तो वो कितने कितने दिन वो इंडिया में रहा, वो दिन अलग से निकाल लो। और अगर इस तरह से डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे ना, आपसे गलती हो ही नहीं सकती। तो 186 बनेगा, तो 182 से ऊपर बनेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा, और अगर रेजिडेंट बनेगा तो पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अब बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत ध्यान से। मिस्टर एक्स है, इंडियन सिटीजन है, फर्स्ट टाइम लेफ्ट इंडिया। अब ये इंडिया छोड़ के जा रहा है पहली बार। अब अगर वो पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है तो पिछले 4 साल में 365 तो होगा, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम लेफ्ट इंडिया है, तो पिछले 4 साल में 365 तो होगा ही होगा। तो अगर पिछले 4 साल में 365 होगा, बस अब हमें यह देखना है कि अगर 60 दिन उससे ऊपर हो गया ना तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। एक बार अब चेक करना, यहां पर देखो जी, उसने इंडिया छोड़ा 10 जून को और विजिट है 18 नवंबर को। पहले तो इंडिया किस दिन छोड़ा है, 10 जून को ना, तो 10 जून तक वो इंडिया में ही रहा होगा। सर अगर इंडिया 10 जून को छोड़ा है तो 10 जून तक तो वो इंडिया में ही रहा होगा ना, तो अप्रैल में कितने दिन हो गए, 30, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में आपके 10 दिन। तो पहली बात तो ये बता दूं, रेजिडेंट बन गया, वो रेजिडेंट बन गया सर, पहली बार इंडिया छोड़ के गया है, 365 तो आराम से एक साल में हो गया होगा, तो भैया 60 दिन उससे ऊपर भी हो गए, रेजिडेंट तो बन गया। बस हमें अब ये निकालना है कितने दिन वो रहा है। उसके बाद फिर वो कह रहे हैं विजिट किया उसने 18 नवंबर को, मतलब यहां छोड़ा यहां पर आया। अब 18 नवंबर को जब वो आया और फिर दोबारा कब छोड़ा, 25 दिसंबर को, तो भैया 18 नवंबर से लेके पहले तो 30 नवंबर निकाल लो, 18, 19, 20, 3 दिन तो ये हो गए, और 30, 10 दिन हो गए, 13 दिन वो रहा नवंबर में, दिसंबर में 25 तारीख को वो छोड़ के गया, तो 25 दिन वो दिसंबर के अंदर भी रहा। फिर विजिट किया उसने 28 जनवरी को, 28 जनवरी को आया, तो 28 जनवरी को आया तो 28 जनवरी से 31 जनवरी, 28, 29, 30, 31 जनवरी में वो 4 दिन रहा। 18 फरवरी को छोड़ के गया तो 18 फरवरी, 18 दिन वो फरवरी के अंदर भी रहा। फिर वो 8 मार्च को वापिस आया, 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक वो इंडिया में था, क्योंकि फिर वो इंडिया छोड़ के चला गया, तो 8 को इंडिया में आ गया ना, तो 8, 9, 10, 3 दिन तो ये हो गए, और 28 या 28 दिन इंडिया में काउंट होगा, तो 18 दिन हो गए, 18 और 3, 21 दिन, 21 दिन वो मार्च में इंडिया में रहा। तो अगर मैं निकाल लूँ टोटल 30, 31, 10, 13, 25, 4, 18, 21, तो भैया 152 डेज हो रहे हैं, 60 और मोर हैं, पिछले 4 साल में 365 तो होगा ही होगा, ये भी बन जाएगा रेजिडेंट। बच्चा कह रहा है सर हमें ना ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ और किया था, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था कि वो यहां से यहां तक इंडिया में रहा, और इस वाले क्वेश्चन में आप कुछ और कर रहे हो। नालायको इसलिए और कर रहा हूं क्योंकि ये वाला आदमी बाहर से इंडिया में आया था, तो पहले यहां पर दिया था विजिट, और ये वाला आदमी इंडिया से बाहर जा रहा है, तो पहले यहां पर दिया है लेफ्ट, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। अच्छा, ये गलती हमसे हो रही थी सर, क्योंकि यहां पर पहले लेफ्ट दी है, तो अगर यहां पर पहले लेफ्ट दिया तो जब उसने इंडिया छोड़ा होगा, मतलब उसने इंडिया यहां पर छोड़ा, तो अगर इंडिया यहां पर छोड़ा इट मीन्स वो यहां तक वो इंडिया में रहा ना, क्योंकि फिर तो उसने इंडिया छोड़ दिया, तो जहां तक वो इंडिया में रहा तो वहां तक हमें दिन निकालने, और वहां पर आपने बोला कि यहां पर वो आया है, तो जब से वो आया फिर हमें दिन निकालने। यस, तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि जब वो आया और जब वो गया उसके बीच में वो इंडिया में रहा, और यहां पर क्या देखना पड़ेगा कि जब वो छोड़ के गया तो इट मीन्स वो यहां तक इंडिया में रहा। तो देखो 10 जून को गया, अप्रैल इंडिया में रहा, मई इंडिया में रहा, 10 दिन इंडिया में रहा, तो ये हमारे वो गए। फिर 18 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक वो इंडिया में था, क्योंकि 25 दिसंबर को वो बाहर चला गया, तो 18 नवंबर से लेके 25, तो नवंबर में कितने दिन हो गए, 13, और दिसंबर में 25। फिर यहां पर 28 जनवरी से लेके 18 फरवरी, जनवरी में आपके 4 दिन आ गए, फरवरी में आपके 18 दिन आ गए। फिर आपका यहां पर 8 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कितने दिन आ गए, 21 दिन आ गए, 152, 60 और मोर है, पिछले 4 साल में 365 भी है, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा।
सर ये तो हमें टाइम लगेगा घर में, हमें दोबारा देखने पड़ेंगे क्वेश्चन। यस देखने पड़ेंगे, और यही बच्चा गलती करके आता है। आपको देखने से क्या लग रहा था? बस यही तो कंडीशन है। आपको मैंने कहा था जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं ना, फिर बच्चा गलती करके आता है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से करना, और कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात थोड़ा है। अभी तो हमारे पहली क्लास है, अभी हमारी पहली क्लास है, अभी हमें आर ओ आर वाला केस भी करना है, आर एन ओ आर वाला केस भी करना है, तो उसमें भी ये बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब करते 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 जब चैप्टर खत्म होगा ना, आपको ये लगेगा ये तो हमें समझ में आ गया। बट जो बच्चे अभी ध्यान से कर रहे हैं उन्हें अभी भी समझ में आ चुका होगा, जो अभी ध्यान से नहीं कर रहे वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा सुने मैंने क्या बोला है, आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सोल्व हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मिस्टर एक्स है इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है प्रीवियस 1920 में, पिछले 4 साल में 380 दिन है। लो जी तो बस हमें अब ये देखना है कि इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज और अगर मोर हो गया ना तो रेजिडेंट बन जाएगा। अब बस ये देख लो कि 60 डेज है या नहीं है। इंडिया छोड़ के गया है 15 मई, तो 15 मई तक वो इंडिया में होगा, तो अप्रैल में 30 दिन और मई के अंदर 15 दिन। लो जी ये तो हो गया। फिर वापिस पता कब आया? 25 दिसंबर को। तो अगर 25 दिसंबर को आया तो दिसंबर में कितने दिन रहा होगा? 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। दिसंबर में 7 ये होते ना, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो 7 डेज तो वो दिसंबर में रहा। फिर 1 जनवरी को वो गया, तो 1 जनवरी को इट मीन्स जनवरी का एक दिन भी काउंट करेंगे। लो जी फिर वापिस कब आया? 25 मार्च को। और 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को चला गया तो 25 तारीख भी काउंट होगी, 31 भी काउंट होगी, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 7 दिन आपका यहां पर और हो गया। तो अब देख लेते हैं, 30 और 15 दिन ये हो गया, 30 और 15, 45, फिर 7, फिर आपका 1, फिर 7। ओ माय गॉड, पूरे 60 दिन सर आ रहे हैं, पूरे 60 दिन। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर आपने 59 डेज काउंट किए तो आपने बना दिया ना नॉन रेजिडेंट, और अगर 60 दिन काउंट किए तो रेजिडेंट बन गया। फर्क पता क्या पड़ा? दोनों की इनकम अलग तरीके से कैलकुलेट होगी, दोनों के टैक्स के रेट अलग लगेंगे, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सर। जिन लोगों को स्टेटस निकालना नहीं आता ना, वो लाइफ में कभी कंसल्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब सबकी इनकम गलत निकालेंगे। क्योंकि अगर स्टेटस ही आप सही निकाल नहीं पा रहे, और बिना स्टेटस के आप इनकम कैसे निकालोगे, टैक्स रेट कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप सब कुछ ही गलत करोगे अगर आपकी ये कैलकुलेशन सही नहीं होगी। तो सबसे मेन काम होता है किसी भी पर्सन का स्टेटस निकालना। अगर स्टेटस सही तरह से निकाल लिया, आपने इनकम सही तरह से कैलकुलेट कर ली। एक बच्चा बोल रहा सामने, फटाफट चिल्ला चिल्ला के बोल रहा कि यार मेरी बात तो सुन लो, कह रहा मुझे दोबारा बताओ, कह रहा मुझे दोबारा बताओ ये 60 दिन कैसे आए हैं। दोबारा सुनो, वो कहना चाह रहे हैं इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के गया 15 मई को। एक बात खुद सोचना, आपकी बात करता हूं, आप 15 मई को इंडिया छोड़ के गए, तो अगर 15 मई को इंडिया छोड़ के गए तो 15 मई तक आप इंडिया में थे ना, तो अप्रैल के 30 दिन आप इंडिया में थे और मई के 15 दिन, तो ये 45 दिन तो ही हो गए। फिर वापिस आप कब आए? 25 दिसंबर को। और गए कब आप? 1 जनवरी को। तो दिसंबर में आप इंडिया में थे, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन आप इंडिया में रहे। फिर जब 1 जनवरी को इंडिया छोड़ के गए, तो मैंने क्या बोला, जिस दिन छोड़ के जाओगे वो भी दिन काउंट होगा, तो 1 दिन जनवरी का भी आ गया। फिर वापिस आए 25 मार्च, और गए कब? 31 मार्च, तो 25 भी काउंट करना है, 31 भी काउंट करना है, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 डेज हो गए मार्च में, तो पूरे 60 दिन, पिछले 4 साल में 380 दिन है। कंडीशन सेकंड सेटिस्फाइड हो चुकी है, आप यहां पर भी रेजिडेंट बन चुके हो। तो इस तरह से दिन कैलकुलेट करते हैं सर, इस तरह से दिन कैलकुलेट होंगे। और आपको कभी ये मत सोचना कि वो बस ये पूछ लेगा आर एन आर, वो आपसे दिन भी पूछेगा। अब जिन जिन बच्चों के दिन ही इतने सारे तादाद में आएंगे, इतने सारे आपने दिन निकाले होंगे, आप बताओ क्या सही करके आओगे। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में लॉजिक्स नहीं है, प्रोविजन कम है, आपको डेज निकालने सीखने चाहिए। और बहुत सारा बच्चा इस चैप्टर में गलती यही करता है, उसको डेज निकालने नहीं आते। तो आपको मैंने कहा था ना, वो देखने से 2 कंडीशन लग रही हैं, जब उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा, 5 क्वेश्चन और भी दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। और मेरी क्लास का सिंगल बच्चा भी अगर मुझे गलत करके आगे ना एग्जाम में, तो दर्द मुझे होता है। तो सर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और आपको मैंने पहले भी कहा था, जो मेरे यूट्यूब पर 50,000 से ऊपर फैमिली मेंबर हो चुके हैं, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ चुकी है। और मैंने अमेंडमेंट क्लास भी 5 डाल दी है, तो एग्जीक्यूटिव की सारी अमेंडमेंट क्लास भी खत्म हो चुकी है। तो जिन जिन दोस्तों को नहीं पता, उन्हें बोल देना भाई अमेंडमेंट क्लास सारी खत्म हो चुकी है, डल चुकी है, वो देख लेंगे। तो आपने बस इतना काम करना होता है, आपने मैक्सिमम हर बच्चे के पास
इंडिया में जितने सीएस के बच्चे हैं ना, हर बच्चे को ये पता हो कि हमारी एक फैमिली है, हमारी एक फैमिली है, हम सब मिलके काम करते हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। और फैमिली हमें बहुत बड़ी करनी है, बहुत बड़ी फैमिली करनी है, अनगिनत फैमिली करनी है। कब? जब मैं भी हार्ड वर्क करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है जी। तो जो यूट्यूब वाले फैमिली वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए लास्ट क्लास मेरी है। आपने क्वेश्चन समझे होंगे, आपने क्वेश्चन समझे होंगे, होप्स आप दोबारा से प्रैक्टिस करोगे। और बाकी मैं टेक्स्ट स्कैनर फ्री में डाल ही रहा हूँ। आज आपके 500 क्वेश्चन जीएसटी के डल गए हैं, अब डेली बेस पे एक सेट आता रहेगा। इनकम टैक्स के भी आएंगे, टेंशन मत लेना। मैंने इनकम टैक्स के ऑलरेडी वैसे डाले भी हुए हैं, जो अमेंडमेंट के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट और रेजिडेंशियल के, मैंने दोनों के डाले हुए हैं। आप एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जाओ, उसके मॉक टेस्ट वाले फोल्डर में जाओ, वहां पर सारे टेस्ट पेपर हैं, उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। और बाकी फेस टू फेस वाले बच्चे और जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, वो डेली बेस पे आप रिविजन करेंगे। मुझे आपके 90+ मार्क्स चाहिए इस जून एग्जाम के अंदर, बात खत्म। अगर एग्जाम होंगे, चाहे नहीं होंगे, जब भी एग्जाम होंगे, मुझे सिंगल बच्चा नहीं, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए 90+ वाले, जो मुझे मैसेज करें, सर 90+ 90+ 90+। उस दिन मेरी जिंदगी का जो एक एम है ना, पहला एम बस मेरा पूरा हो जाएगा 90+ वाला। सर अभी तक हाईएस्ट कितने हैं? 89। और मैं चाहता हूँ 90+ भी हो, 95+ भी हो। आप इतना हार्डवर्क करो ना, मैं आपसे डबल हार्डवर्क करूँ, आप मेरे से भी डबल हार्डवर्क करो, और ये अचीवमेंट हम लेके आए और हम दोनों एक साथ लेके आए। और जिस दिन आप कहेंगे, उस दिन क्रेडिट मुझे मत देना, सीधा बोल देना कि मुझे पढ़ाया पढ़ा कुछ था नहीं, बट हाँ सर के जो थोड़ी बहुत वीडियो होती थी उसको ना बस हमसे हेल्प मिल जाती थी। ये मत बोलना कि ये वो, अपने पेरेंट्स को ब्लेसिंग, पेरेंट्स को क्रेडिट देना, अपने आप को देना, बट मुझे कुछ बच्चे ऐसे चाहिए जो अपने पेरेंट्स का इस तरह से नाम रोशन करें कि यहाँ पे पूरे इंडिया में उनसे पूछें कि आपने 90+ कैसे लिए, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज बस हम यहीं तक कर रहे हैं। आपने आज कुछ नहीं करना, सिर्फ दो कंडीशन घर से पढ़नी है, उन दोनों कंडीशन के रूल्स जो चार है वो आपको पढ़ने हैं। इट मीन्स जितनी आज हमने नोटिंग की है, जो हमने 10 क्वेश्चन किए हैं ना, बस वही प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। और जिन बच्चों ने आज यूट्यूब पे ये क्लास देख ली है, वो भी टेंशन मत ले सर, आगे चैप्टर बिल्कुल आसान है, बेसिक में नहीं था, ठीक है जी। तो बाकी अगर आपने क्लास अभी, ऑब्वियस बात आपके पास क्लासेस होंगी, रिविजन क्लास में डाल ही रहा हूँ जी। और जो बच्चे अभी क्लास ले भी रहे हैं या जो लेने की सोच भी रहे हैं, तो उनका भी जून में कंप्लीट हो जाएगा, उनके पास भी डेली क्लास आएंगी, वो भी टेंशन मत ले। बाकी जीएसटी की रिवीजन क्लास मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा अप्रैल के अंदर। इनकम टैक्स की आपने 19 घंटे वाले ही करनी है, उसमें साथ अमेंडमेंट क्लास देख लेना, उसमें पूरा इनकम टैक्स बहुत बढ़िया से कंप्लीट होगा। मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए 19 घंटे वाली रिवीजन क्लास के अंदर, ठीक है जी। चलो तो बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और आपने बहुत आगे जाना है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और फैमिली का नाम रोशन करो। रोशन करने वाले बनो, डुबाने वाले नहीं, बहुत आगे लेके जाना है फैमिली के नाम को, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू।